আর সাদিক এই তো যাতে ভারতীয় তামিল ভাষায় কি রোমান্টিক কমেডি ফিল্ম কা নির্দেশন রমেশ থিমলানি নে কিয়া হ্যায় জো উনকে নির্দেশন কি পহলি ফিল্ম হ্যায় আর ইসমে হরিশ কল্যাণ নাদিয়া আর কে সাথ যোগী বাবু আর জে বিজয় সহায়ক ভূমিকাও মে হ্যায় ইসকা নির্মাণ ধোনি এন্টারটেনমেন্ট দ্বারা কিয়া গিয়া থা ফিল্ম কি ঘোষণা অক্টোবর 2022 মে কি গই থি বিনয় কিসি শীর্ষক কে জিসকি ঘোষণা জানুয়ারি 2023 মে কি গই থি মুখ্য ফটোগ্রাফি জানুয়ারি 2023 মে শুরু হুই আর মই 2023 মে পুরি হুই ফিল্ম নে সঙ্গীত রমেশ থিমলানি দ্বারা सिनेमेटोग्राफी विश्वजीत ओडकत फिल्म ने संभाली और संपादन प्रदीप ई राघव द्वारा प्लॉट फिल्म की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गौतम से होती है जो अपने दूसरी प्रेम वर्षगांठ के दौरान अपने सहकर्मी और प्रेमिका मीरा को शादी का प्रस्ताव देता है। मीरा इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है कि गौतम की विधवा माँ लीला सहित माता पिता के दोनों समूह गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब मीरा को पता चलता है कि गौतम चाहता है कि शादी के बाद गौतम लीला के साथ उसके घर में रहे तो उसने गौतम को लीला को छोड़कर शादी रद्द कर दी और क्रोधित और निराश मीरा अंततः गौतम के साथ मेल मिलाप कर लेती है और एक शर्त पर शादी के लिए सहमत हो जाती है। वह अपने परिवार के साथ गौतम के परिवार के साथ कुर्ग की यात्रा पर जाना चाहती है ताकि दोनों परिवार विशेषकर यह वह और लीला साथ जा सके। शादी से पहले बातचीत करें और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें। यदि वह यात्रा के दौरान लीला के साथ नहीं मिल पाती है तो वह गौतम दोस्त के रूप में अलग हो जाएंगे। वह अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वह ऑफिस ट्रिप पर ले जा रहा है और अपने सहकर्मियों के साथ, जिसके कारण वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विजय को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। यात्रा शुरू होती है और जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लीला मीरा और उसके परिवार के भी यात्रा और हिस्सा होने में सहज नहीं है। हालांकि गौतम और उसे शांत करने में कामयाब होता है और दावा करता है मीरा भी उसकी सहयोगी के रूप में यात्रा का हिस्सा है। हालांकि अंततः उसे मीरा से यात्रा का असली कारण पता चलता है जो परिवार के साथ नहीं मिल पाने में से परेशान है, जिसमें गौतम का जोश उजागर हो जाता है। गौतम द्वारा झूठ बोलने से क्रोधित होकर मीरा और लीला ने गौतम और विजय सहित अपने बाकी परिवार को घर पर वापस भेज दिया, जबकि दोनों के साथ समय बिताने और एक दूसरे को जानने का फैसला किया। वे गोवा जाते हैं जो गौतम ज्ञापत के कारण कुरुक से बचने से पहले मीरा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जहां वे एक साथ कई गतिविधियां करते हुए आनंद लेते हैं। एक दूसरे कंपनी में कुछ घटनाओं के बाद लीला मीरा से प्रभावित हो जाती है और गौतम से उसकी शादी कराने की लिए सहमत हो जाती है। लेकिन इसी मोड़ पर कुरुक लौटते समय वे एक जंगल में बीच में खो जाते हैं। जंगल में मीरा और लीला एक बाघ के जंगल में फंस जाते हैं और तस्करों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है, जो उन्हें असली बाघ के साथ एक वैन में रखते हैं। लीला और मीरा अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए झगड़ती है, लेकिन जब मीरा को लीला के अस्थमा के बारे में पता चलता है और साथ ही यह पता चलता है कि लीला की बीमारी कैसे हुई, तो वह सुलह कर लेती है और एक माँ के रूप में गौतम को पालने के लिए अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए संघर्ष किया, क्योंकि उनके पति एक सेना अधिकारी गौतम के जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई और लीला ने गौतम से शादी करने के अपने असली इरादे का भी खुलासा किया। अंततः उससे छुटकारा पाने और मंदिरों में जाने सहित उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादी के बाद उसके और गौतम के अलग रहने की मीरा की इच्छा से सहमत है। इस बीच गौतम और विजय जो घर लौटने के बजाय मीरा और लीला की तलाश कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि वे जंगल में खो गए हैं और एक स्थानीय वन अधिकारी की मदद से वे तस्कर की वैन का पता लगाने और मीरा और लीला को एक साथ ही बाघ दोनों को बचाने के कामयाब होते हैं। गौतम मीरा और लीला घर लौटते हैं, जहाँ मीरा गौतम से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लीला भी एक शर्त पर शादी के लिए राजी हो गई। उन तीनों को एक साथ एक और यात्रा करनी चाहिए। उत्पादन और विकास मई 2022 के मध्य में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी द्वारा अभिनीत एक योजना का निर्माण करके वो फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत करने की सूचना मिली थी। वह सितंबर मुख्य भूमिका में नयनतारा और रमेश बाबू को इस परियोजना के साथ अभिनय करने की सूचना मिली थी। 26 अक्टूबर को कंपनी की एक सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इस परियोजना का निर्देशन नवोदित रमेश थिलमिलानी द्वारा किया जाएगा। हरीश कल्याण और प्रियंका अरुण मोहन को मुख्य रूप भूमिका निभाने की सूचना मिली और 27 जनवरी 2023 को हरीश और कल्याण इवाराई की घोषणा की गई। मुख्य भूमिका निभाते हुए नादिया योगी बाबू आर जे विजय की घोषणा की गई और परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के शीर्षक भी घोषणा की गई। रिसेप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 स्टार दिए और लिखा, यह बाकी है एक और औसत के नीचे का रोमांटिक ड्रामा जो घर वापस ले जाने के लिए कुछ नहीं देता। किचन ने के 5 में से 1 स्टार दिया और फिल्म को एक खराब तरीके से बनाई गई रोमांटिक ड्रामा माना, जो सभी अच्छे विचार से इसे मेज पर महान नहीं बनाते का सही उदाहरण है। मिर्ची प्लस की मीरा वेणुगोपाल ने इसे
पांचवें दोस्त आदि लिखा है। ये अमेजोनी का यह पहला फीचर प्रोडक्शन था जिसमें अगर विस्तार किया जाए तो यह एक बेहतरीन रोमांटिक कॉम बनने की क्षमता रखता है। लेकिन लेखन और संगीत छायांकन संगीत विभागों में शून्य प्रयास के साथ हम इस एक उत्साह उत्सव में रह रहे हैं। पेची और विज्ञापन ABP लाइव तमिल की फिल्मों को मिश्रित समीक्षा दी और कहा कि फिल्म आशाजनक है। हरीश कल्याण जन्म 29 जून 1990 एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें अभिनय की शुरुआत 2010 में सिंधु सामेली से हुई थी। पोरियालन 2014 विलम्बू में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने से पहले 2016 और प्यार प्रेमा कादल 2018 फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 से 2017। हरीश कल्याण ने अपनी शुरुआत श्यामी वादास्पद सिंधु सामेली 2010 और अंबु की भूमिका निभाते हैं जिसकी पत्नी का अपने ससुर के साथ अलग संबंध है। रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली जबकि कुछ आलोचकों ने फिल्म के किरदार पर अपनी घृणा व्यक्त करते हुए फिल्म को रेटिंग देने से इनकार कर दिया। आलोचकों ने तमन में उनकी अगली भूमिका का वर्णन किया। म्यूजिकल हरिदू 2010 ठीक है लेकिन फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत करने में असफल रही। इसके बाद हरीश एस में काम करने लगे और ये चंद्रशेखर सत्यपदी को ट्रम 2011 जिसमें विक्रांत और भानु अन्य भूमिकाओं में फिल्म में हमारी कानूनी व्यवस्था के अपेक्षित बदलाव को दिखाया गया जिसमें हरीश ने एक बिड़िया लड़की भूमिका निभाई जो एक नया पत्ता चुनता है। फिल्म में फिल्म को खराब समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। अगली बार उन्हें करुणा श्वेता पशु प्रसाद और फिल्म निर्माता सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई और नाबाकी फिल्म पर भी काम किया। पूनम कौर के विपरीत मेहमान इस अवधि के दौरान उन्होंने जय श्री राम का काम किया। फिल्म चिंदा मामा ने 2013 की कॉमेडी फिल्म संजना सिंह आधा दर्जन फिल्मों के बाद आखिरकार उन्हें थ्रिलर पोरियालन और 2014 में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस किया गया जहां उन्होंने एक युवा नागरिक का किरदार निभाया जो प्रॉपर्टी डेवलपर बनने के इच्छुक और इंजीनियर रियल एस्टेट घोटाले में फंस गए और वेंट त्रिमारन द्वारा निर्मित और इसमें उनके साथ है आनंदी और पोरियालन आलोचकों के साथ हरीश का पहला सफल उद्यम बन गया जिसमें उन्होंने प्रदर्शन की प्रशंसा की और पोरियालन की सफलता ने फिल्म निर्माता सिंथिया नंदन के प्रोडक्शन और बिल्लू अंबो 2016 में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हरीश का चयन करें। और अपने पिता कल्याण श्रीवाजको ने हरीश के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बड़ा स्कोर करता और अपनी आकर्षक स्थल और साफ सुथरी विशेषताओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित होना गया है। सकारात्मक समीक्षा पाने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उचित कारोबार किया। 2017 में हरीश एक और तेलुगु फिल्म रोमांटिक कॉमेडी कादली में दिखाई दिए जहाँ उन्होंने साई रौनक के साथ अभिनय किया और पूजा दोषी और एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपना किरदार परिपक्वता के साथ निभाते हैं। ब्रेक तो 2018 से वर्तमान 2017 में हरीश ने तमिल रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस में एक पहले सीजन में भाग लिया जिसे उन्होंने 53 दिन में एक नई प्रतियोगी के रूप में शो में प्रवेश किया। शो के दूसरे रनर अप के रूप में समाप्त हुए। शो में अपनी सफल उपस्थिति के बाद हरीश कल्याण को ऐलान कर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कादल बिग बॉस प्रतियोगी राइजा विल्सन चेन्नई में एक भोले वाले IT कार्यकर्ता श्री कुमार का किरदार निभा कर उन्होंने जीत हासिल करना और जीतन के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली क्योंकि फिल्म को रिलीज होने पर आलोचनात्मक व्यावसायिक प्रशंसा मिली। 2019 में हरीश कल्याण ने इस पाड़े राज हवम इधाया रानियम द्वारा निर्देशित फिल्म में एक मध्यम वर्गीय लड़की की भूमिका निभाई जिसमें गुस्से की बड़ी समस्या थी। उसका बचपन परेशान था। रंजीत जयकोड़ी आलोचक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत ने पाया कि हरीश कल्याण एक आक्रामक और स्वामित्व वाले युवा के रूप में उत्कृष्ट है। एक ऐसा चरित्र जो अपने द्वार प्यार प्रेम कादल में निभाए गए चरित्र से काफ़ी भिन्न है। फिल्म कॉलेज को भी प्रश्न कर दर्शकों की व्यापक प्रतिक्रिया दोनों मिली। अपनी पिछली फिल्मों के अगले दरवाजे वाली लड़की भूमिका निभाने के बाद कल्याण को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा और गौतम की भूमिका की तैयारी के लिए वजन बढ़ाने के अलावा उन्होंने अपने रफ लुक के लिए दाढ़ी भी बढ़ाई और निर्देशक के बेटे संजय भारती सर के फिल्म धनुषु राशि ने अगले में विक्की डॉन में प्रभु गोविंद के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की जो 2012 की हिंदी फिल्म का तमिल रूपांतरित संस्करण है। धरला प्रभु हरीश में फिल्म में उन्होंने जोशियम और जंदम में कट्टर आस्ती की भूमिका निभाई और एक कॉमेडी ड्रामा था
जिसमें मुख्य पुरुष किरदार तत्व अत्यधिक अनुशासित था और संथाना भारती नवोदित कृष्ण मारीमुथु द्वारा निर्देशित फिल्म को उसका समीक्षा मिली। उन्हें प्रभु देवन के दिलचस्प मनोरंजन शिक्षक में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। कसाड़ा था पारा जो वेंकट प्रभु की ब्लैक टिकट कंपनी द्वारा निर्मित है। इसके अलावा हरीश ने ओ मैन पेने में मुख्य भूमिका निभाई और पहले चुप्लू का तमिल रीमेक धोनी एंटरटेनमेंट्स के नाम तो वाले में धोनी निर्मित आइए जाने में भाई तो वह अगली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म तेलुगु 2021-16। अन्य कार्य हरीश कल्याण ने हिंदुस्तानी संगीत सीखा और बोर्ड जनवरी 2012 के दौरान उन्होंने कुट्टी पे पोस्ट टू लाइफ शीर्षक वाले दो गाने रिलीज करने के अपने इरादे की घोषणा की जिन पर उन्होंने काम किया था। और ओवागुरु और मनुषानु कुम और ओवरु फीलिंग्स 2016 में हरीश ने आई एम सिंगर शीर्षक में एक स्वतंत्र गीत जारी किया जो काम कर रहा है। और उस गाने में गायक और गीतकार के रूप में जिसका संगीत एलवी मधुकर स्वामी ने तैयार किया था। निजी जीवन उनके पिता फाइव स्टार कल्याण और एक फिल्म वितरक संगीत लेबल के मालिक हैं। उन्होंने हरीश कल्याण की भूमिका निभाई है और विल अंबू 2016 अक्टूबर 2022 में हरीश कल्याण ने नर्मदा उदय कुमार से शादी की। जरीन मोइदू जी ने उनके स्टेज नाम नादिया मोइदू के नाम में से जाना जाए। मुख्य रूप से तमिल भाषा की फिल्मों में साथ साथ मलयालम तेलुगु फिल्मों उन्होंने 1984 मलयालम भाषा की तमिल फिल्म नोकेथा दुराती कुन्नम नट्टू से अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अभिनेत्री मलयालम बाद में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय किया। उन्होंने अहम एम से तमिल फिल्म में वापसी की और कुमारन पुत्र महालक्ष्मी उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए उनका आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2013 में उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उनके द्वारा निभाई गई दोनों भूमिकाओं के लिए प्रशंसा मिली। एक तेलुगु भाषा की फिल्म में अभिनेता वरुण तेज की माँ की भूमिका गणी और अंटार्कटिका और डैडी ने जिद्दी चाची भूमिका निभाने के लिए उन्हें अंटार्कटिका की डैडी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। 2013 में प्रारंभिक जीवन नादिया का जन्म मलयाली माता पिता के घर और उनका बचपन मुंबई के सायन में बीता। उन्होंने पिता थालसरी से है उनकी माँ तिरुवल्ला से है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा जेबी वाजा हाई स्कूल फॉर फारसी गर्ल्स मुंबई से हुई और उनकी प्री यूनिवर्सिटी डिग्री सर जमशेद जीजेबाई स्कूल ऑफ आर्ट और उसके बाद यह अपनी कॉलेज की पढ़ाई नहीं रख सकी क्योंकि तब तक वह अपने फिल्मों में व्यस्त हो गई थी। उन्होंने मीडिया प्रबंधन से एसोसिएट डिग्री हासिल की और बीए संचार कला में रेडियो और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए टेलीविजन किया। निजी जीवन नादिया ने 1988 में विशेष सीरीज गोडबोले से शादी की। दंपति की दो बेटियां सनम और जाना है। अपनी शादी के बाद वह अपने पिता पति और बेटियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रही। वर्ष 2000 में वह लंदन यूनाइटेड किंगडम चली गई और वहीं रही। 2007 तक वहीं रही। 2008 में बात लौट आई और वर्तमान में मुंबई में रहती हैं अपने परिवार के साथ। करियर नादिया ने अपना डेब्यू मलयालम फिल्म नोकेथा थुराद कलम नट्टू 1984 से किया। उनके साथ इस फिल्म का रीमेक जिसमें उन्होंने पद्मिनी और मोहनलाल के रूप में कुछ जुटावे 1985 में पद्मिनी और तमिल में अपनी शुरुआत की। नादिया का दावा है कि मोना राघव रेवती की भूमिका के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था और 1986 में एक तमिल फिल्म लेकिन पूर्व प्रतियोगिताओं के आना स्वीकार कर दी गई। 1990 में दशक के मध्य में अमेरिका जाने से पहले उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में कुछ समय के लिए वापसी की। इवाना जिसे उनके जन्म नाम हेलिना साजी किरण भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और मलयालम में काम करती हैं। भाषाई फिल्में करियर अलीरा ने मास्टर 2012 में साइक भूमिकाओं के माध्यम से मलयालम फिल्म उद्योग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। महत्वपूर्ण भूमिका में बाला ने अनुरोध किया कि उन्हें एक मंच नामों का उपयोग करना चाहिए जो तमिल दर्शकों के लिए उच्चारण करना आसान होगा। और अपने चचेरे भाई की शुरुआत से उन्होंने इवाना नाम को अंतिम रूप दिया और जीवी प्रकाश कुमार और अनुराग करीकुरन वेल्लम 2018 में कास्ट करने का फैसला किया जिसमें नाचिया ऑनलाइन और बाद में अलीना को अपनी तमिल फिल्म ने बाला निर्देशक 2016 में मुख्य किरदार की बेटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुराग कार्यक्रम वेल्लम 2015 तीन साल बाद अलीना ने इसके बाद रानी पद्मिनी और एक युवा मासूम लड़की अर्शिका किरदार निभाते हुए इवाना को इसके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। Sefi.com ने कहा कि सुंदर आज चेहरे और बड़े अभिव्यंजक आँखों के साथ इवाना पूरी तरह से विश्वसनीय राशि बनाती है। इसी तरह द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक ने कुछ
कहा कि इवाना ने प्रभावशाली शुरुआत की है, जबकि इंडिया टुडे ने समीक्षक ने कहा कि इवाना शानदार प्रदर्शन करती है। योगी बाबू जन्म 22 जुलाई 1986 एक भारतीय अभिनेता हास्य अभिनेता हैं जो तमिल फिल्म में दिखाई देते हैं। वह 3 बार विक्टर सिनेमा पुरस्कार विजेता रहे हैं। उन्होंने आनंदवन कट्टलई कोलामावु कोकिला 2018 और पेरियम पेरुमल 2018। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन, बाबू का जन्म 22 जुलाई 1986 को अरनी में हुआ। उनके पिता हवालदार भारतीय सेना में, इसलिए बाबू को बचपन से बहुत यात्रा करनी पड़ी, जिसके बिना उन्होंने पढ़ाई की। सौ 90 के दशक की शुरुआत में जम्मू में बाबू ने 5 फरवरी 2020 को तिरुतनी में अपने पैतृक मंदिर में आयोजित एक अंतरंग समारोह में मंजू भार्गव से शादी की। करियर, बाबू ने सहायक निर्देशक के रूप में लोलू सभा और 2 साल तक दर्शक लिखने में मदद की। उन्होंने अपने फीचर फिल्म की शुरुआत अमीर अभिनीत होगी योगी 2009 एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में। उसके बाद उन्होंने फिल्म के नाम का अपने मंच के नाम के उपसर्ग के रूप में अपनाया। रुपया में गुंडे के रूप में दिखाई दिया। बाद में सुंदर शिकल का तो याद नहीं था, जबकि उन्होंने हिंदी फिल्म तेरे एक्सेस में शाहरुख खान के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने शिव कार्तिक के नाम और कराटे यामी रुक्का बया में 2014 में भयानक हास्य अभिनेता के रूप में, 2015 में उन्होंने एक दर्जन के अधिक फिल्मों में काम किया और काका मत्ती 2015 तक की रूमी 2015 योगी बाबू के लिए 10-16 और एक सफल फर्श रहा। उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया। विजय सेतुपति के साथ आनंद भवन कट्टलई में अपनी भूमिका की लालचना को प्रशंसा प्राप्त की। इसके बाद कोलमावु कोकिला 2018 जहाँ उन्होंने नयनतारा के विपरीत उनके एक तरफा प्रेमी चित्रण को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, जबकि कल्याण वाई सुजाना उन्होंने उनकी हरकतें वायरल हो गई और वह पेड़ो परमल 2018 में सहायक किरदार के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म का आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने योगी बाबू कॉमेडी प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने पहले बार धर्मप्रभु 2019 जिसमें उन्होंने एक अंकित भूमिका निभाई। उन्होंने गोरखा 2019 में भूमिका निभाई। कई फिल्मों में कॉमिक रिलीफ के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। वेंकट कुमार गंगई अमरेन जन्म 7 नवंबर 1975 जिन्हें उनके मंच नाम से बेहतर जाना जाता है वेंकट प्रभु। तमिल फिल्मों में भारतीय निर्देशक अभिनेता पार्श्व गायक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय करियर बनाना शुरू किया। उनके पहले दिन उद्यम में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन रिलीज होने में असफल रही, जिसके बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। एक फिल्म निर्देशक और संगीत निर्देशक हैं गंगई अमरन बिरयानी और मास 2013 2011 मनकथा 2010 2018 2019 अपने बाद के निर्देशन से निर्देशक बने, जिनमें की वह पहली बार सुर्खियों में आए जब वह ग्रीष्मकालीन हिट थी प्रारंभिक जीवन में करियर। भारत लौटने के बाद प्रभु ने अपने चचेरे भाइयों युवान शंकर राजा द्वारा डेमो के लिए गाना शुरू किया और कार्तिक राजा और फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। 1996 में वह उन्होंने उनके भाई प्रेम की अमरेन उनके रोशन के दोस्त SIPV चरण नेक्स्ट और जनरेशन नामक एक संगीत बैंड की स्थापना की, जिसमें और थामन दर्शक के रूप में दोनों से कलाकार चरण हैं गना बगम और उथेन ने चरणा दैन के निर्देशन में पहली फिल्म सुनते कहानी अपनी अब तक की अंतिम श्रेय उपस्थिति में उन्होंने माधवन के साथ काम किया और वजह थुगल सीमन है। 2018-08 में उन्होंने विजय मुख्य भूमिका में शिवकाश निर्देशित तरार सुजीत कुमार और अभिनीत जी एन थी निंगो स्वामी पहली रिलीज थी। उन्होंने लगभग 10 फिल्मों में चरित्र भूमिका निभाई, जिनमें सबसे उल्लेखनीय फिल्में अप्रैल माध्यमिक दोनों रिलीज होने में भी असफल हो रही हैं। इसके बाद वेंकट प्रभु से सहायक भूमिकाओं के लिए संपर्क किया, जिसमें उन्होंने कदल समाज जागथियाना और प्रेम की अमरेंद्र ने देखी। वांटेड, लेकिन फिल्म को मध्य निर्माण में रद्द कर दिया गया। 2000 के दशक के अंत तक फिल्म को पुनर्जीवित करने और रिलीज करने के प्रयास सफल रहे। प्रभु ने अपने दोस्तों SPV चरण योगेंद्र के साथ 2 और फिल्मों में अभिनय किया और गंगी अमरन पुंजोलाई के साथ संगीत और कई मंच प्रदर्शन किए। और अगले वर्ष उन्होंने 2007 में वेंकट प्रभु SPV चरण निर्मित स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म चेन्नई
2028 के साथ प्रेजेंटेशन में कदम रखा और इसके इर्द घूम दिया मुख्य भूमिका में बाली ब्लॉकबस्टर ने अजीत कुमार का निर्देशन किया, जिसे मन कथा 2010 और एक फुल लेंथ कॉमेडी फिल्म बनी, जिससे मिश्रित प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 2011 में उन्होंने अपने अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक्शन थ्रिलर गोवाचर और प्रेम की शहीद फिल्म में चार युवकों की यात्रा दिखाई दी, जो मुख्य सड़क सेट कर एक अपहरणकर्ता गिरोह की यात्रा में पड़ जाते हैं। इसे आलोचकों बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने कलाकार का सोजिश ने 2028 के एक हिट नंबर से लिया गया था निर्देशन किया, जिसका शीर्षक सोजा, जिसके कारण मुख्य कलाकारों की लोकप्रियता बढ़ी, जिसके बाद उन्होंने कॉमेडी थ्रिलर फिल्म काले बाल प्राप्त करना और अगले वर्ष में बंद क्लासिक चालो चालक प्राप्त करना शुरू किया। उनका अगला प्रोजेक्ट बिरयानी 2013 में अभिनीत कार्थी और हिंसिका मोटवानी वेंकट प्रभु के निर्देशन कर मुख्य भूमिका में नयनतारा सूर्यामास और एंगिरा मसीला मानी। उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर चेन्नई 2028 की अगली कड़ी का निर्देशन किया। अक्सर सहयोगी वेंकट प्रभु अक्सर अपने और क्रू सदस्यों के साथ काम करते हैं, जिसमें मुख्य प्रमुख प्रेम जी अम्बरेन, युवान शंकर राजा, संपादक शामिल हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट बेड़े स्कूल से की। 10 सितंबर 2001 को वेंकट प्रभु ने निर्देशित के जी सरशाई की बेटी राजलक्ष्मी शादी की, और जब उनकी शिवानी नाम की एक बेटी है। शिवानी 5 साल की उम्र में एल्बम के लिए गाना गा चुकी हैं। आओ शादी करें 2023 भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का निर्देशन रमेश थिमलानी ने किया है, जो उनके निर्देशन की पहली फिल्म है। यह इसमें हरीश कल्याण नादिया और के साथ योगी बाबू आर जे विजय सहायक भूमिकाओं में है। इसका निर्माण धोनी एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी विनायक शीर्षक के, जिसकी घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 में शुरू हुई और मई 2023 में पूरी हुई। फिल्म ने संगीत रमेश थिमलानी सिनेमाटोग्राफी विश्वजीत ओडकथिल ने संभाली और संपादन प्रदीप ई राघव द्वारा। प्लॉट फिल्म की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गौतम से होती है, जो अपनी दूसरी प्रेम वर्षगांठ के दौरान अपने सहकर्मी और प्रेमिका मीरा को शादी का प्रस्ताव देता है। मीरा इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है कि गौतम की विधवा माँ लीला सहित माता पिता की दोनों समूह गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब मीरा को पता चलता है कि गौतम चाहता है कि शादी के बाद गौतम लीला के साथ उसके घर में रहे, तो उसने गौतम को लीला को छोड़कर शादी रद्द कर दी और क्रोधित और निराश मीरा अंततः गौतम के साथ मेल मिलाप कर लेती है और एक शर्त पर शादी के लिए सहमत हो जाती है। वह अपने परिवार के साथ गौतम के परिवार के साथ कुर्ग की यात्रा पर जाना चाहती है, ताकि दोनों परिवार विशेष कर वह और लीला साथ जा सके, शादी से पहले बातचीत करें और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें। यदि वह यात्रा के दौरान लीला के साथ नहीं मिल पाती है, तो वह गौतम दोस्त के रूप में अलग हो जाएंगे। वह अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वह ऑफिस ट्रिप पर ले जा रहा है और अपने सहकर्मियों के साथ, जिसके कारण वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विजय को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। यात्रा शुरू होती है और जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लीला मीरा और उसके परिवार के भी यात्रा और हिस्सा होने में सहज नहीं है। हालांकि गौतम और उसे शांत करने में कामयाब होता है और दावा करता है मीरा भी उसकी सहयोगी के रूप में यात्रा का हिस्सा है। हालांकि अंततः उसे मीरा से यात्रा का असली कारण पता चलता है, जो परिवार के साथ नहीं मिल पाने में से परेशान है, जिसमें गौतम का जोश उजागर हो जाता है। गौतम द्वारा झूठ बोलने से प्रेरित होकर मीरा और लीला ने गौतम और विजय सहित अपने बाकी परिवार को घर पर वापस भेज दिया, जबकि दोनों के साथ समय बिताने और एक दूसरे को जानने का फैसला किया। वे गोवा जाते हैं, जो गौतम ज्ञापत कान को रुख से बचने से पहले मीरा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जहां वे एक साथ कई गतिविधियाँ करते और आनंद लेते हैं। एक दूसरे कंपनी और दुर्घटनाओं के बाद लीला मीरा से प्रभावित हो जाती है और गौतम से उसकी शादी कराने की लिए सहमत हो जाती है। लेकिन इसी मोड़ पर कुर्ग लौटते समय वे एक जंगल में बीच में खो जाते हैं। जंगल में मीरा और लीला एक बाघ के जंगल में फंस जाते हैं, तस्कर द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है, जो उन्हें असली बाघ के साथ एक वैन में रखते हैं। लीला और मीरा अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए झगड़ती है, लेकिन जब मीरा को लीला के अस्थमा के बारे में पता चलता है और साथ ही यह पता चलता है कि लीला की बीमारी कैसे हुई, तो वह सुलह कर लेती है और एक माँ के रूप में गौतम को पालने के लिए अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए संघर्ष किया, क्योंकि उनके पति एक सेनाधिकारी गौतम के जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई और लीला ने गौतम से शादी करने के अपने असली इरादे का भी खुलासा किया। अंततः उससे छुटकारा पाने और मंदिरों में जाने सहित उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादी के बाद उसके और गौतम के अलग रहने की मीरा की इच्छा से सहमत है। इस बीच गौतम और
विजय जो घर लौटने के बजाय मीरा और लीला की तलाश कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि वे जंगल में खो गए हैं और एक स्थानीय वन अधिकारी की मदद से वे तस्कर की वैन का पता लगाने और मीरा और लीला को एक साथ ही बाघ दोनों को बचाने के कामयाब होते हैं। गौतम, मीरा और लीला घर लौटते हैं, जहाँ मीरा गौतम से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लीला भी एक शर्त पर शादी के लिए राजी हो गई। उन तीनों को एक साथ एक और यात्रा करनी चाहिए। उत्पादन और विकास, मई 2022 के मध्य में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी द्वारा अभिनीत एक योजना का निर्माण करके वो फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत करने की सूचना मिली थी। वह सितंबर मुख्य भूमिका में नयनतारा और महेश बाबू को इस परियोजना के साथ अभिनय करने की सूचना मिली थी। 26 अक्टूबर को कंपनी के एक सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इस परियोजना का निर्देशन नवोदित रमेश थिलमिलानी द्वारा किया जाएगा। हरीश कल्याण और प्रियंका अरुण मोहन को मुख्य रूप भूमिका निभाने की सूचना मिली और 27 जनवरी 2023 को हरीश और कल्याण EYY की घोषणा की गई। मुख्य भूमिका निभाते हुए नादिया योगी बाबू आरजी विजय की घोषणा की गई और परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फिल्म के शीर्षक भी घोषणा की गई। रिसेप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 स्टार दे लिखा। यह बाकी है एक और औसत के नीचे का रोमांटिक ड्रामा जो घर वापस ले जाने के लिए कुछ नहीं देता। किचन के 5 में से 1 स्टार दे और फिल्म को एक ख़राब तरीके से बनाई गई रोमांटिक ड्रामा माना, जो सभी अच्छे विचार से इसे मेज पर महान नहीं बनाते का सही उदाहरण है। मिर्ची प्लस की मीरा बहन गोपाल ने इसे 5 में 2 स्टार दे लिखा है। MS धोनी का यह पहला फीचर प्रोडक्शन था, जिसमें अगर विस्तार किया जाए तो यह एक बेहतरीन रोमांटिक कॉम बनने की क्षमता रखता है। लेकिन लेखन और संगीत छायांकन संगीत विभागों में शून्य प्रयास के साथ हम इस एक उत्साह उत्सव में रह रहे हैं। पेची और वैद्यपन ABP लाइव तमिल की फिल्मों को मिश्रित समीक्षा दी और कहा कि फिल्म आशाजनक है। हरीश कल्याण, जन्म 29 जून 1990, एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें अभिनय की शुरुआत 2010 में सिंधु सामेली से हुई थी। पोरियालन 2014 विलम्बू में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने से पहले 2016 और प्यार प्रेमा कादल 2018 फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 से 2017। हरीश कल्याण ने अपनी शुरुआत शामी वादास्पद सिंधु सामवेली 2010 और अंबू की भूमिका निभाते हैं, जिसकी पत्नी का अपने ससुर के अपराध संबंध है। रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि कुछ आलोचकों ने फिल्म के किरदार पर अपनी घृणा व्यक्त करते हुए फिल्म को रेटिंग देने से इनकार कर दिया। आलोचकों ने संबंध में उनकी अगली भूमिका का वर्णन किया और म्यूजिकल हरिदू 2010 ठीक है, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत करने में असफल रही। इसके बाद हरीश एस में काम करने लगे और ये चंद्रशेखर सत्यपति को ट्रम्प 2011 जिसमें विक्रांत और भानु अन्य भूमिकाओं में फिल्म में हमारी कानून व्यवस्था के अपेक्षित बदलाव को दिखाया गया, जिसमें हरीश ने एक बिड़िया लड़की की भूमिका निभाई जो अंत एक नया पत्ता चुनता है। फिल्म में फिल्म को खराब समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। अगली बार उन्हें करुणा श्वेता प्रसाद और फिल्म निर्माता सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई और ना बाकी फिल्म पर भी काम किया। पूनम कौर के विपरीत मेहमान इस अवधि के दौरान उन्होंने जय श्री राम का काम किया और फिल्म चंदा मामा ने 2013 की कॉमेडी फिल्म संजना सिंह आधा दर्जन फिल्मों के बाद आखिरकार उन्हें थ्रिलर पोरियालन और 2014 में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस किया गया, जहां उन्होंने एक युवा नागरिक का किरदार निभाया जो प्रॉपर्टी डेवलपर बनने के इच्छुक और इंजीनियर रियल एस्टेट घोटाले में फंस गए और वैन त्रिमारन द्वारा निर्मित और इसमें उनके साथ है आनंदी और पोरियालन आलोचकों के साथ हरीश का पहला सफल उद्यम बन गया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन की प्रशंसा की और पोरियालन की सफलता ने फिल्म निर्माता सिंथिया नंदन के प्रोडक्शन और विल्लू अंबू 2016 में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हरीश का चयन करें। और अपने पिता कल्याण श्रीवाजकों ने हरीश के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बड़ा स्कोर करता और अपनी आकर्षक स्कल और साफ सुथरी विशेषताओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित होना गया है। सकारात्मक समीक्षा पाने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उचित कारोबार किया। 2017 में हरीश एक और तेलुगु फिल्म रोमांटिक कॉमेडी कादली में दिखाई दिए, जहां उन्होंने साई रौनक के साथ अभिनय किया और पूजा दोषी और एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपना किरदार परिपक्वता के साथ निभाते हैं। ब्रेक टू 2018 से वर्तमान 2017 में हरीश ने तमिल रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस में एक पहले सीजन में भाग लिया, जिसे उन्होंने 53वें दिन में एक नए प्रतियोगी के रूप में शो में प्रवेश किया। शो के दूसरे रनर अप
के रूप में समाप्त हुए। शो में अपनी सफल उपस्थिति के बाद हरीश कल्याण को ऐलान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कादल बिग बॉस प्रतियोगी राइजा विल्सन चेन्नई में एक भोले भाले आईटी कार्यकर्ता श्री कुमार का किरदार निभा कर उन्होंने जीत हासिल करना और चेतन के लिए नकारात्मक संख्या मिली क्योंकि फिल्म को रिलीज होने पर आलोचना तक व्यावसायिक प्रशंसा मिली। 2019 में हरीश कल्याण ने इस पाड़े राज वम इधाया रानियम द्वारा निर्देशित फिल्म में एक मध्यम वर्गीय लड़की भूमिका निभाई जिसमें उससे की बड़ी समस्या थी उसका बचपन परेशान था। रंजीत जयकोड़ी आलोचक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत ने पाया कि हरीश कल्याण एक आक्रामक और स्वामित्व वाले युवा के रूप में उत्कृष्ट है। एक ऐसा चरित्र जो अपने द्वार प्यार प्रेम कादल में निभाए गए चरित्र से काफ़ी भिन्न है। फिल्म कॉलेज को प्रशंसा दर्शकों की व्यापक प्रतिक्रिया दोनों मिली। अपनी पिछली फिल्मों के अगले दरवाजे वाली लड़की भूमिका निभाने के बाद कल्याण को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा और गौतम की भूमिका की तैयारी के लिए वजन बढ़ाने के अलावा उन्होंने अपने रफ लुक के लिए दाढ़ी भी बढ़ाई और निर्देशक के बेटे संजय भारती के साथ उनके फिल्म धनुषु राशि ने अगले में विक्की डॉन में प्रभु गोविंद के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। जो 2012 की हिंदी फिल्म का ग्रामीण रूपांतरित संस्करण है धरला प्रभु हरीश में फिल्म में उन्होंने जोशियम और जंदम में कट्टर रास्ते की भूमिका निभाई और एक कॉमेडी ड्रामा था जिसमें मुख्य पुरुष किरदार था तो अत्यधिक अंधविश्वासी था और संथाना भारतीय नवोदित कृष्ण मारीमुथु द्वारा निर्देशित फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्हें शंभु देवन के दिलचस्प मनोरंजन शीर्षक में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। कसाड़ा थपारा जो वेंकट प्रभु की ब्लैक टिकट कंपनी द्वारा निर्मित है। इसके अलावा हरीश ने ओ मैन पेने में मुख्य भूमिका निभाई और पहले चुप्पू का तमिल रीमेक धोनी एंटरटेनमेंट के नाम में तो वाले में धोनी निर्मित आइए जाने विवाहित तो है अगली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म तेलुगु 2021-16। अन्य कार्य हरीश कल्याण ने हिंदुस्तानी संगीत सीखा और कोई बोर्ड जनवरी 2012 के दौरान उन्होंने कुट्टी पे टोस्ट टू लाइफ शीर्षक वाले दो गाने रिलीज करने के अपने इरादे की घोषणा की जिन पर उन्होंने काम किया था और ओवागुरु और मनुषानुकम और ओवरू फिलिंग्स 2016 में हरीश ने आई एम सिंगर शीर्षक में एक स्वतंत्र गीत जारी किया जो काम कर रहा है और उस गाने में गायक और गीतकार के रूप में जिसका संगीत एलवी मधुकर स्वामी ने तैयार किया था। निजी जीवन उनके पिता फाइव स्टार कल्याण और एक फिल्म वितरक संगीत लेवल के मालिक हैं। उन्होंने हरीश कल्याण भूमिका निभाई है और विल अम्बू 2016 अक्टूबर 2022 में हरीश कल्याण ने नर्मदा उदय कुमार से शादी की। जरीन मोइदू जी ने उनके स्टेज नाम नादिया मोइदू के नाम में से जाना जाए मुख्य रूप से तमिल भाषा की फिल्मों में साथ साथ मलयालम तेलुगु फिल्मों उन्होंने 1984 मलयालम भाषा की तमिल फिल्म नोकेथा दुरात कुन्नम नट्टू से अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अभिनेत्री मलयालम बाद में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय किया। उन्होंने अहम एम से तमिल फिल्मों में वापसी की और कुमारन पुत्र महालक्ष्मी उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए उनका आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2013 में उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उनके द्वारा निभाई गई दोनों भूमिकाओं के लिए प्रशंसा मिली। एक तेलुगु भाषा की फिल्म में अभिनेता वरुण तेज की माँ की भूमिका गणी और अंटार्कटिका की और डैडी ने जिद्दी चाची की भूमिका निभाने के लिए उन्हें अंटार्कटिका की डैडी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। 2013 में प्रारंभिक जीवन नादिया का जन्म मलयाली माता पिता के घर हुआ। उनका बचपन मुंबई के सायन में बीता। उन्होंने पिता थालसरी से है उनकी माँ तिरुवल्ला से है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा द जेवी वाजा हाई स्कूल फॉर पारसी गर्ल्स मुंबई से हुई और उनकी प्री यूनिवर्सिटी डिग्री सर जमशेद जीजेबाई स्कूल ऑफ आर्ट और उसके बाद यह अपनी कॉलेज की पढ़ाई नहीं रख सकी क्योंकि तब तक वह अपने फिल्मों में व्यस्त हो गई थी। उन्होंने मीडिया प्रबंधन से एसोसिएट डिग्री हासिल की और बीए संचार कला में रेडियो और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए टेलीविजन किया। निजी जीवन नादिया ने 1988 में विशेष सीरीज गोरबोले से शादी की। दंपति की दो बेटियां सनम और जाना है। अपनी शादी के बाद वह अपने पिता पति और बेटियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रही। वर्ष 2000 में वह लंदन यूनाइटेड किंगडम चली गई और वहीं रही। 2007 तक वहीं रही। 2008 में बात लौट आई और वर्तमान मुंबई में रहती हैं अपने परिवार के साथ। करियर नादिया ने अपना डेब्यू मलयालम फिल्म नोकेथा दुरात कुन्नम नट्टू 1984 से किया। उनके साथ इस फिल्म का रीमेक जिसमें उन्होंने पद्मिनी और मोहनलाल के रूप में पूजिता 1985 में पद्मिनी तमिल में अपनी शुरुआत की।
नादिया का दावा है कि मोना राघव रेवती की भूमिका के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था और 1986 में एक तमिल फिल्म, लेकिन पूर्व प्रतियोगिता उनका आना स्वीकार कर दी गई। 1990 में दशक के मध्य में अमेरिका जाने से पहले उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में कुछ समय के लिए वापसी की। इवाना, जिसे उनके जन्म नाम हेलिना साजी के लिए, भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और मलयालम में काम करती हैं। भाषाई फिल्में करियर, हलीरा ने मास्टर 2012 में साइकिल इनकाउंट के माध्यम से मलयालम फिल्म उद्योग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। महत्वपूर्ण भूमिका में बाला ने अनुरोध किया कि उन्हें एक मंच नामों का उपयोग करना चाहिए जो तमिल दर्शकों के लिए उच्चारण करना आसान होगा, और अपने चचेरे भाई की शुरुआत से उन्होंने इवाना नाम को अंतिम रूप दिया। जीवी प्रकाश कुमार और अनुराग करी को वेल्लम 2018 में कास्ट करने का फैसला किया, जिसमें नाचियर ऑनलाइन और बाद में अलीना को अपनी तमिल फिल्म ने बाला निर्देशक 2016 में मुख्य किरदार की बेटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुराग कार्यक्रम वेलम 2015 3 साल बाद अलीना ने इसके बाद रानी पद्मनी और की वह मासूम लड़की अर्शी का किरदार निभाते हुए इवाना को इसके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। Sefi.com ने कहा कि सुंदर आज चेहरे और बड़े अभिव्यंजक आँखों के साथ इवाना पूरी तरह से विश्वसनीय हासिल बनाती है। इसी तरह द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक ने कुछ कहा कि इवाना ने प्रभावशाली शुरुआत की है, जबकि इंडिया टुडे ने समीक्षक ने कहा कि इवाना शानदार प्रदर्शन करती है। योगी बाबू, जन्म 22 जुलाई 1986, एक भारतीय अभिनेता हास्य अभिनेता है जो तमिल फिल्म में दिखाई देते हैं। वह 3 बार विक्टर सिनेमा पुरस्कार विजेता रहे हैं। उन्होंने आनंदवन, कट्टलई कोलामोव, कोकिला 2018 और पेरियम पेरुमल 2018। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन, बाबू का जन्म 22 जुलाई 1986 को अरनी में हुआ। उनके पिता हवालदार भारतीय सेना में, इसलिए बाबू को बचपन से बहुत यात्रा करनी पड़ी, जिसके बिना उन्होंने पढ़ाई की। सौ 90 के दशक की शुरुआत में जम्मू में बाबू ने 5 फरवरी 2020 को तिरुतनी में अपने पैतृक मंदिर में आयोजित एक अंतरंग समारोह में मंजू भार्गव से शादी की। करियर, बाबू ने सहायक निर्देशक के रूप में लोलू सभा और 2 साल तक दृश्य लिखने में मदद की। उन्होंने अपने फीचर फिल्म की शुरुआत अमीर अभिनीत होगी योगी 2009 एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में। उसके बाद उन्होंने फिल्म के नाम का अपने मंच के नाम के उपसर्ग के रूप में अपनाया। रुपया में गुंडे के रूप में दिखाई दिया। बाद में सुंदर शिकल का पुट्टू तो यार नहीं तो, जबकि उन्होंने हिंदी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। इसके बाद उन्होंने शिव कार्ती के नाम और कराटे या मेरे का बयान में 2014 में भयानक हास्य अभिनेता के रूप में, 2015 में उन्होंने एक दर्जन के अधिक फिल्मों में काम किया, और काका मत्ती 2015 की रूमी 2015 योगी बाबू के लिए 2016 और एक सफल फर्श रहा। उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया, विजय सेतुपति के साथ आनंद भवन कट्टलई में अपनी भूमिका की आलोचना को प्रशंसा प्राप्त की। इसके बाद कोलमावु कोकिला 2018 जहाँ उन्होंने नयनतारा के प्रथम के एक तरफा प्रेमी चित्रण को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, जबकि कल्याण वाई सुगाना उन्होंने उनकी हरकतें वायरल हो गई और पैडो परिमल 2018 में सहायक किरदार के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म का आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचनाओं ने योगी बाबू कॉमेडी प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने प्यारे बादलम प्रभु 2019 जिसमें उन्होंने एक अंकित भूमिका निभाई। उन्होंने गोरखा 2019 में भूमिका निभाई। कई फिल्मों में कॉमिक रिलीफ के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई हैं। वेंकट कुमार गंगई अमरेन जन्म 7 नवंबर 1975 जिन्हें उनके मंच नाम से बेहतर जाना जाता है वेंकट प्रभु, तमिल फिल्मों में भारतीय निर्देशक अभिनेता पार्श्व गायक। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय करियर बनाना शुरू किया। उनके पहले तीन उद्यम में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन रिलीज होने में असफल रही, जिसके बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। एक फिल्म निर्देशक और संगीत निर्देशक हैं। गंगई अमरन बिरयानी और मास 2013 2011 मनकथा 2010 2018 सरोजा अपने बाद के निर्देशन से निर्देशक बने। चिन्नई वह पहली बार सुर्खियों में आए जब वह ग्रीष्मकालीन हिट थी। प्रारंभिक जीवन में करियर, भारत लौटने के बाद प्रभु ने अपने चचेरे भाइयों युवान शंकर राजा द्वारा डेमो के लिए गाना शुरू किया और कार्तिक राजा और फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। 1996 में वह उन्होंने उनके भाई प्रेम की अमरेन, उनके वेशन के दोस्त SIPV चरण नेक्स्ट और जनरेशन नामक एक संगीत बैंड की स्थापना की, जिसमें और थामन दृश्य के रूप में दोनों से कलाकार चरण हैं। गना बगम ने चरणाधन के निर्देशन बने। पहली फिल्म सुंदर कहानी अपनी अब तक की अंतिम श्रेणी
उपस्थिति में उन्होंने माधवन के साथ काम किया और वजह थुगल सिमन है। 2008 में उन्होंने विजय मुख्य भूमिका में शिवकाश निर्देशित परार सु अजीत कुमार और अभिनीत जीएन थी निंगो स्वामी। उनकी पहली रिलीज थी। उन्होंने लगभग 10 फिल्मों में चरित्र भूमिका निभाई जिनमें सबसे उल्लेखनीय फिल्में अप्रैल माध्यमिक दोनों रिलीज होने में भी असफल हो रही हैं। इसके बाद वेंकट प्रभु से सहायक भूमिकाओं के लिए संपर्क किया जिसमें उन्होंने कदल समाज जागतियाना और प्रेम की अमरेंद्र आने देखी। वांटेड लेकिन फिल्म को मध्य निर्माण में रद्द कर दिया गया। 2000 के दशक के अंत तक फिल्म को पुनर्जीवित करने और रिलीज करने के प्रयास असफल रहे। प्रभु ने अपने दोस्तों SPB चरण और योगेंद्र के साथ दो और फिल्मों में अभिनय किया और गंगी अमेरन पुंजोलाई के साथ संगीत और कई मंच प्रदर्शन किए और अगले वर्ष उन्होंने 2007 में वेंकट प्रभु SPB चरण द्वारा निर्मित स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म चेन्नई 2028 के साथ फिल्म निर्देशन में कदम रखा और इसके गिर्द घूमती है मुख्य भूमिका में बाने ब्लॉकबस्टर है अजीत कुमार का निर्देशन किया जिसमें मन कथा 2010 और एक फुल लेंथ कॉमेडी फिल्म बनी जिससे मिश्रित प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 2011 में उन्होंने अपने अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक्शन थ्रिलर गोवा चरण और प्रेम की सहित फिल्म में चार युवकों की यात्रा दिखाई दी जो मुख्य सड़क सेट कर एक अपहरणकर्ता गिरोह की यात्रा में पड़ जाते हैं। इसे आलोचकों बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने कलाकार का शो जिसमें मुख्य ने 2028 के एक हिटन नंबर से लिया गया था निर्देशन किया जिसका शीर्षक से हो जाए जिसके कारण मुख्य कलाकारों की लोकप्रियता बढ़ी। जिसके बाद उन्होंने कॉमेडी थ्रिलर फिल्म काले बाल प्राप्त करना और अगले वर्ष में क्लासिक चालो चालक प्राप्त करना शुरू किया। उनका अगला प्रोजेक्ट बिरयानी 2013 में अभिनीत कार्थी और हिंसिका मोटवानी वेंकट प्रभु के निर्देशन कर मुख्य भूमिका में नयनतारा सूर्या मास और रंगीरा मसीला मानी। उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर चेन्नई 2028 की अगली कड़ी का निर्देशन किया। अक्सर सहयोगी वेंकट प्रभु अक्सर अपने और क्रू सदस्यों के साथ काम करते हैं जिसमें मुख्य प्रमुख प्रेम जी अम्बरीन युवान शंकर राजा संपादक शामिल हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट बेड़े स्कूल से की। 10 सितंबर 2001 को वेंकट प्रभु ने निर्देशित KG सशय की बेटी राजलक्ष्मी से शादी की और जब उनकी शिवानी नाम की एक बेटी है। शिवानी 5 साल की उम्र में एल्बम के लिए गाना गा चुकी हैं। आओ शादी करें 2023 भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का निर्देशन रमेश थिमलानी ने किया है जो उनके निर्देशन की पहली फिल्म है। इसमें हरीश कल्याण आदिया और के साथ योगी बाबू आरजे विजय सहायक भूमिकाओं में है। इसका निर्माण धोनी एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी विनय किसी शीर्षक के जिसकी घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 में शुरू हुई और मई 2023 में पूरी हुई। फिल्म ने संगीत रमेश थिमलानी सिनेमाटोग्राफी विश्वजीत ओडकथिल ने संभाली और संपादन प्रदीप ई राघव द्वारा। प्लॉट फिल्म की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गौतम से होती है जो अपनी दूसरी प्रेम वर्षगांठ के दौरान अपने सहकर्मी और प्रेमिका मीरा को शादी का प्रस्ताव देता है। मीरा इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है कि गौतम की विधवा माँ लीला सहित माता पिता की दोनों समूह गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब मीरा को पता चलता है कि गौतम चाहता है कि शादी के बाद गौतम लीला के साथ उसके घर में रहे तो उसने गौतम को लीला को छोड़कर शादी रद्द कर दी और क्रोधित और निराश मीरा अंत तक गौतम के साथ मेल मिलाप कर लेती है और एक शर्त पर शादी के लिए सहमत हो जाती है। वह अपने परिवार के साथ गौतम के परिवार के साथ कुर्ग की यात्रा पर जाना चाहती है ताकि दोनों परिवार विशेषकर वह और लीला साथ जा सके, शादी से पहले बातचीत करें और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें। यदि वह यात्रा के दौरान लीला के साथ नहीं मिल पाती है तो वह गौतम दोस्त के रूप में अलग हो जाएंगे। वह अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वह ऑफिस ट्रिप पर ले जा रहा है और अपने सहकर्मियों के साथ, जिसके कारण वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विजय को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। यात्रा शुरू होती है और जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लीला मीरा और उसके परिवार के भी यात्रा और हिस्सा होने में सहज नहीं है।
हालांकि गौतम और उसे शांत करने में कामयाब होता है और दावा करता है मीरा भी उसकी सहयोगी के रूप में यात्रा का हिस्सा है। हालांकि अंततः तो उसे मीरा से यात्रा का असली कारण पता चलता है, जो प्यार के साथ नहीं मिल पाने में उसे परेशान है, जिसमें गौतम का जोश उजागर हो जाता है। गौतम द्वारा झूठ बोलने से प्रेरित होकर मीरा और लीला ने गौतम और विजय सहित अपने बाकी परिवार को घर पर वापस भेज दिया, जबकि दोनों के साथ समय बिताने और एक दूसरे को जानने का फैसला किया। वे गोवा जाते हैं, जो गौतम के आपत्ति कारण को रुक से बचने से पहले मीरा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जहां वे एक साथ कई गतिविधियां करते हुए आनंद लेते हैं। एक दूसरे कंपनी में कुछ घटनाओं के बाद लीला मीरा से प्रभावित हो जाती है और गौतम से उसकी शादी कराने की लिए सहमत हो जाती है। लेकिन इसी मोड़ पर कुर्ग लौटते समय वे एक जंगल में बीच में खो जाते हैं। जंगल में मीरा और लीला एक बाघ के जंगल में फंस जाते हैं, तस्कर द्वारा उन्हें पकड़ ले जाता है, जो उन्हें एक असली बाघ के साथ एक वैन में रखते हैं। लीला और मीरा अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए झगड़ती है, लेकिन जब मीरा को लीला के अस्थमा के बारे में पता चलता है और साथ ही यह पता चलता है कि लीला की बीमारी कैसे हुई, तो वह सुलह कर लेती है और एक माँ के रूप में गौतम को पालने के लिए अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए संघर्ष किया, क्योंकि उनके पति एक सेना अधिकारी गौतम के जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई और लीला ने गौतम से शादी करने के अपने असली इरादे का भी खुलासा किया। अंततः उससे छुटकारा पाने और मंदिरों में जाने सहित उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादी के बाद उसके और गौतम के अलग रहने की मीरा की इच्छा से सहमत है। इस बीच गौतम और विजय, जो घर लौटने के बजाय मीरा और लीला की तलाश कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि वे जंगल में खो गए हैं और एक स्थानीय वन अधिकारी की मदद से वे तस्कर की वैन का पता लगाने और मीरा और लीला को एक साथ ही बाघ दोनों को बचाने के कामयाब होते हैं। गौतम, मीरा और लीला घर लौटते हैं, जहाँ मीरा गौतम से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लीला भी एक शर्त पर शादी के लिए राजी हो गई। उन तीनों को एक साथ एक और यात्रा करनी चाहिए। उत्पादन और विकास, मई 2022 के मध्य में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी एमएस धोनी द्वारा अभिनीत एक योजना का निर्माण करके वो फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत करने की सूचना मिली थी। वह सितंबर मुख्य भूमिका में नयनतारा और महेश बाबू को इस परियोजना के साथ अभिनय करने की सूचना मिली थी। 26 अक्टूबर को कंपनी की एक सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इस परियोजना का निर्देशन नवोदित रमेश थिलमिलानी द्वारा किया जाएगा। हरीश कल्याण और प्रियंका अरुण मोहन को मुख्य रूप भूमिका निभाने की सूचना मिली और 27 जनवरी 2023 को हरीश और कल्याण इवाराय की घोषणा की गई मुख्य भूमिका निभाते हुए नादिया योगी बाबू आर जी विजय की घोषणा की गई और परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के शीर्षक भी घोषणा की गई। रिसेप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 स्टार दे लिखा, यह बाकी है एक और औसत के नीचे का रोमांटिक ड्रामा जो घर वापस ले जाने के लिए कुछ नहीं देता। की जर्नी के 5 में से 1 स्टार दे फिल्म को एक खराब तरीके से बनाई गई रोमांटिक ड्रामा माना, जो सभी अच्छे विचार से इसे मेज पर महान नहीं बनाते का सही उदाहरण है। मिर्ची प्लस की मीरा बहन गोपाल ने इसे 5 में 2 स्टार दिए लिखा है। जी एमएस धोनी का यह पहला फीचर प्रोडक्शन था, जिसमें अगर विस्तार किया जाए तो यह एक बेहतरीन रोमांटिक कॉम बनने की क्षमता रखता है। लेकिन लेखन और संगीत छायांकन संगीत विभागों में शून्य प्रयास के साथ हम इस एक उत्साह उत्सव में रह रहे हैं। पेची और वैद्यपन एबीपी लाइव तमिल की फिल्मों को मिश्रित समीक्षा दी और कहा कि फिल्म आशाजनक है। हरीश कल्याण, जन्म 29 जून 1990 एक भारतीय अभिनेता है, जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें अभिनय की शुरुआत 2010 में सिंधु सामेली से हुई थी। पोरियालन 2014 विलम्बो में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने से पहले 2016 और प्यार प्रेमा कादल 2018 फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 से 2017। हरीश कल्याण ने अपनी शुरुआत श्यामी वादास्पद सिंधु सामेली 2010 और अंबू की भूमिका निभाते हैं, जिसकी पत्नी का अपने ससुर के यातायात संबंध है। रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि कुछ आलोचकों ने फिल्म के किरदारों पर अपनी घृणा व्यक्त करते हुए फिल्म को रेटिंग देने से इनकार कर दिया। आलोचकों ने संबंध में उनकी अगली भूमिका का वर्णन किया। म्यूजिकल हरिदू 2010 ठीक है, लेकिन फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत करने में असफल रही। इसके बाद हरीश एस में काम करने लगे और एक चंद्रशेखर सत्तपदी को ट्रम्प 2011, जिसमें विक्रांत और भानु अन्य भूमिकाओं में फिल्म में हमारी कानूनी व्यवस्था के अपेक्षित बदलाव को दिखाया गया, जिसमें हरीश ने एक बिड़िया लड़की भूमिका निभाई जो अंत एक नया पत्ता चुनता है। फिल्म में फिल्म को खराब पर समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। अगली बार उन्हें करुणा श्वेता प्रसाद और फिल्म निर्माता सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई और ना बाकी
फिल्म पर भी काम किया। पूनम कौर के विपरीत मेहमान इस अवधि के दौरान उन्होंने जय श्री राम का काम किया। फिल्म चंदा मामा ने 2013 की कॉमेडी फिल्म संजना सिंह आधा दर्जन फिल्मों के बाद आखिरकार उन्हें थ्रिलर पोरियालन और 2014 में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस किया गया, जहां उन्होंने एक युवा नागरिक का किरदार निभाया जो प्रॉपर्टी डेवलपर बनने के इच्छुक वो इंजीनियर रियल एस्टेट घोटाले में फंस गए और वैन त्रिमारन द्वारा निर्मित तो इसमें उनके साथ है आनंदी और पेरियालन आलोच को एक साथ हरीश का पहला सफर उद्यम बन गया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन की प्रशंसा की और पेरियालन की सफलता ने फिल्म निर्माता और सिंथिया के प्रोडक्शन और विल्लू अम्बू 2016 में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हरीश का चयन करें। और अपने पिता कल्याण शिवराजको ने हरीश के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बड़ा स्कोर करता और अपनी आकर्षक स्कल और साफ सुथरी विशेषताओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित होना गया है। सकारात्मक समीक्षा पाने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उचित कारोबार किया। 2017 में हरीश एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी कादली में दिखाई दिए, जहां उन्होंने साई रौनक के साथ अभिनय किया और पूजा दोषी और एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपना किरदार परिपक्वता के साथ निभाते हैं। ब्रेक तो 2018 से वर्तमान 2017 में हरीश ने तमिल रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस में पहले सीजन में भाग लिया, जिसे उन्होंने 53 दिन में एक नए प्रतियोगी के रूप में शो में प्रवेश किया। शो को एक दूसरे में शो में प्रवेश किया और शो के दूसरे रनर अप के रूप में समाप्त हुए। शो में अपनी सफल उपस्थिति के बाद हरीश कल्याण को ऐलान के रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कादल बिग बॉस प्रतियोगी राइजा विल्सन चेन्नई में एक भोले वाले आईटी कार्यकर्ता श्री कुमार का किरदार निभा कर उन्होंने जीत हासिल करना और चेतन के लिए नकारात्मक संख्याएं मिली, क्योंकि फिल्म को रिलीज होने पर आलोचनात्मक व्यावसायिक प्रशंसा मिली। 2019 में हरीश कल्याण ने इस पाड़े राज वुम इधाया रानियम द्वारा निर्देशित फिल्म में एक मध्यम वर्गीय लड़के की भूमिका निभाई, जिसमें उससे की बड़ी समस्या थी उसका बचपन परेशान था। रंजीत जयकोड़ी आलोचक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत ने पाया कि हरीश कल्याण एक आक्रामक और स्वामित्व वाले युवा के रूप में उत्कृष्ट है, एक ऐसा चरित्र जो अपने द्वार प्यार प्रेम कादल में निभाए गए चरित्र से काफ़ी भिन्न है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा और दर्शकों की व्यापक प्रतिक्रिया दोनों मिली। अपनी पिछली फिल्मों के अगले दरवाजे वाले लड़की भूमिका निभाने के बाद कल्याण को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा और गौतम की भूमिका की तैयारी के लिए वजन बढ़ाने के अलावा उन्होंने अपने रफ लुक के लिए दाढ़ी भी बढ़ाई और निर्देशक के बेटे संजय भारती के साथ उनके फिल्म धनुष राशि ने अगले में विक्की डॉन में प्रभु गोविंद के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की, जो 2012 की हिंदी फिल्म का तमिल रूपांतरित संस्करण है। धरला प्रभु हरीश में फिल्म में उन्होंने जोशियम और जंदम में कट्टरास्ते की भूमिका निभाई और एक कॉमेडी ड्रामा था जिसमें मुख्य पुरुष किरदार था तो अत्यधिक अंधविश्वासी था। और संथाना भारतीय नवोदित कृष्ण मारीमुथु द्वारा निर्देशित फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्हें फिल्म भूदेवन के दिलचस्प मनोरंजन शीर्षक में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। कसाड़ा था पारा जो वेंकट प्रभु की ब्लैक टिकट कंपनी द्वारा निर्मित है। इसके अलावा हरीश ने ओ मैन पेने में मुख्य भूमिका निभाई और पहले चुप्पू का तमिल रीमेक धोनी एंटरटेनमेंट्स के गाँव में तो वाले में धोनी निर्मित आइए जाने में भाई तो वह अगली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म तेलुगु 2021-16 अन्य कार्य हरीश कल्याण ने हिंदुस्तानी संगीत सीखा और कोई बोर्ड जनवरी 2012 के दौरान उन्होंने कुट्टी पे पोस्ट टू लाइफ शीर्षक वाले दो गाने रिलीज करने के अपने इरादे की घोषणा की जिन पर उन्होंने काम किया था। और ओवागुरु और मनुषानुकम और ओवरु फिलिंग्स 2016 में हरीश ने आई एम सिंगर शीर्षक में एक स्वतंत्र गीत जारी किया जो काम कर रहा है। उस गाने में गायक और गीतकार के रूप में जिसका संगीत एलवी मधुकर स्वामी ने तैयार किया था। निजी जीवन उनके पिता फाइव स्टार कल्याण और एक फिल्म द्रक संगीत लेवल के मालिक हैं। उन्होंने हरीश कल्याण की भूमिका निभाई है और विल अम्बू 2016 अक्टूबर 2022 में हरीश कल्याण ने नर्मदा उदय कुमार से शादी की। जरीन मोइदू जी ने उनके स्टेज नाम ना दिया मोइदू के नाम में से जाना जाए। मुख्य रूप से तमिल भाषा की फिल्मों में साथ साथ मलयालम तेलुगु फिल्मों में उन्होंने 1984 मलयालम भाषा की तमिल फिल्म नोकेथा दुरातु कुन्नम नट्टू से अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अभिनेत्री मलयालम बाद में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय किया। उन्होंने अहम एम से तमिल फिल्मों में वापसी की और कुमारन पुत्र महालक्ष्मी उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए उनका आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2013 में उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उनके द्वारा निभाई गई दोनों भूमिकाओं के लिए प्रशंसा मिली। एक तेलुगु भाषा की फिल्म में अभिनेता
वरुण तेज की माँ की भूमिका गणी और एंटार्टिक की ओडैडी ने एक जिद्दी चाची की भूमिका निभाने के लिए उन्हें एंटार्टिक की डैडी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला 2013 में। प्रारंभिक जीवन नादिया का जन्म मलयाली माता पिता के घर हुआ। उनका बचपन मुंबई के सायन में बीता। पिता तालसरी से है, उनकी माँ तिरुवल्ला से है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा JB वाजा हाई स्कूल फॉर पारसी गर्ल्स मुंबई से हुई और उनकी प्री यूनिवर्सिटी डिग्री सर जमशेद जी JBY स्कूल ऑफ आर्ट और उसके बाद यह अपनी कॉलेज की पढ़ाई नहीं रख सकी क्योंकि तब तक वह अपने फिल्मों में व्यस्त हो गई थी। उन्होंने मीडिया प्रबंधन से एसोसिएट डिग्री हासिल की और BA संचार कला में रेडियो और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए टेलीविजन किया। निजी जीवन नादिया ने 1988 में विशेष सीरीज गोरबोले से शादी की। दंपति की 2 बेटियां सनम और जाना है। अपनी शादी के बाद वह अपने पिता पति और बेटियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रही। वर्ष 2000 में वह लंदन यूनाइटेड किंगडम चली गई और वहीं रही। 2007 तक वहीं रही। 2008 में बात लौट आई और वर्तमान में मुंबई में रहती हैं अपने परिवार के साथ। करियर नादिया ने अपना डेब्यू मलयालम फिल्म नोकेता थोड़ा कलम नोट 1984 से किया। उनके साथ इस फिल्म का रीमेक जिसमें उन्होंने पद्मिनी और मोहनलाल के रूप में कुछ जुटावे। 1985 में पद्मिनी तमिल में अपनी शुरुआत की। नादिया का दावा है कि मोना राघव रेवती की भूमिका के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था और 1986 में एक तमिल फिल्म लेकिन पूर्व प्रतियोगिताओं के आना स्वीकार कर दी गई। 1990 में दशक के मध्य में अमेरिका जाने से पहले उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में कुछ समय के लिए वापसी की। इवाना जिसे उनके जन्म नाम हेलिना साजी के भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और मलयालम में काम करती हैं। भाषाई फिल्में करियर अलीरा ने मास्टर 2012 में साइकिल गाउन के माध्यम से मलयालम फिल्म उद्योग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। महत्वपूर्ण भूमिका में बाला ने अनुरोध किया कि उन्हें एक मंच नामों का उपयोग करना चाहिए जो तमिल दर्शकों के लिए उच्चारण करना आसान होगा और अपने चचेरे भाई की शुरुआत से उन्होंने इवाना नाम को अंतिम रूप दिया। JV प्रकाश कुमार और अनुराग करीकुरन वेल्लम 2018 में कास्ट करने का फैसला किया जिसमें नाचियार ऑनलाइन और बाद में अलीना को अपनी तमिल फिल्म में बाला निर्देशक 2016 मुख्य किरदार की बेटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुराग कार्यक्रम वेलम 2015 3 साल बाद अलीना ने इसके बाद रानी पद्मनी और एक युवा मासूम लड़की अर्शिका किरदार निभाते हुए इवाना को इसके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। Sefi.com ने कहा कि सुंदर आज चेहरे और बड़े अभिव्यंजक आँखों के साथ इवाना पूरी तरह से विश्वसनीय हास्य बनाती है। इसी तरह द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक ने कुछ कहा कि इवाना ने प्रभावशाली शुरुआत की है जबकि इंडिया टुडे ने समीक्षक ने कहा कि इवाना शानदार प्रदर्शन करती है। योगी बाबू जन्म 22 जुलाई 1985 एक भारतीय अभिनेता हास्य अभिनेता हैं जो तमिल फिल्म में दिखाई देते हैं। 3 बार विक्टर सिनेमा पुरस्कार विजेता रहे हैं। उन्होंने आनंदवन कट्टलई कोलामावु कोकिला 2018 और पेरियम पेरुमल 2018। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन बाबू का जन्म 22 जुलाई 1985 को अरनी में हुआ। उनके पिता हवालदार भारतीय सेना में इसलिए बाबू को बचपन से ही बहुत यात्रा करनी पड़ी जिसके बिना उन्होंने पढ़ाई की। के दशक की शुरुआत में जम्मू में बाबू ने 5 फरवरी 2020 को तिरुतनी में अपने पैतृक मंदिर में आयोजित एक अंतरंग समारोह में मंजू भार्गव से शादी की। करियर बाबू ने सहायक निर्देशक के रूप में लोलू सभा और 2 साल तक दृश्य लिखने में मदद की। उन्होंने अपने फीचर फिल्म की शुरुआत अमीर अभिनीत होगी योगी 2009 एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में। उसके बाद उन्होंने फिल्म के नाम को अपने मंच के नाम के उपसर्ग के रूप में अपनाया। रुपया में गुंडे के रूप में दिखाई दिया। बाद में सुंदर शिकल का तो याद नहीं तो उन्होंने हिंदी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने शिव कार्तिक के नाम और कराटे यामी रुक्का बया में 2014 में भयानक हास्य अभिनेता के रूप में 2015 में उन्होंने 1 दर्जन के अधिक फिल्मों में काम किया और काका मत्ती 2015 की रूमी 2015 योगी बाबू के लिए 2016 और एक सफल वर्ष रहा। उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया। विजय सेतुपति के साथ आनंद भवन कट्टलई में अपनी भूमिका की आलोचना को प्रशंसा प्राप्त की। इसके बाद कोलमावु कोकिला 2018 जहाँ उन्होंने नयनतारा के व्यक्तित्व के एक तरफा प्रेमी चित्रण को समीक्षकों द्वारा सराहा गया जबकि कल्याण वाई सुजाना उन्होंने उनकी हरकतें वायरल हो गई और
पेड़ों पर मल 2018 में सहायक किरदार के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म का आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचनाओं ने योगी बाबू कॉमेडी प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने प्यारे बादल प्रभु दुरानी जिसमें उन्होंने एक अंकित भूमिका निभाई। उन्होंने गोरखा दुरानी स्वयं भूमिका निभाई। कई फिल्मों में कॉमिक रिलीफ के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई हैं। वेंकट कुमार गंगई अमरेंद्र जन्म 1975 जिन्हें उनके मंच नाम से बेहतर जाना जाता है वेंकट प्रभु। तमिल फिल्मों में भारत निर्देशक अभिनेता पार्श्व गायक। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय करियर बनाना शुरू किया। उनके पहले तीन उद्यम में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई लेकिन रिलीज होने में असफल रही, जिसके बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। एक फिल्म निर्देशक और संगीत निर्देशक हैं। गंगई अमरन बिरयानी और मास 2013 2011 मनकथा 2010 2018 सरोजा बहन अपने भाग के निर्देशन से निर्देशक बने। जिनमें की वह पहली बार सुर्खियों में आए जब वह ग्रीष्मकालीन हिट थी प्रारंभिक जीवन में करियर। भारत लौटने के बाद प्रभु ने अपने चचेरे भाइयों युवान शंकर राजा द्वारा डेमो के लिए गाना शुरू किया और कार्तिक राजा और फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। 1996 में वह उन्होंने उनके भाई प्रेम की अमरेन उनके वचन के दोस्त SIAPV चरण नेक्स्ट और जनरेशन नामक एक संगीत बैंड की स्थापना की, जिसमें और थामन दर्शक के रूप में दोनों से एक कलाकार चरण है। गना बगम और उथिन ने चरणा दैन के निर्देशन में पहली फिल्म सुनते कहानी अपनी अब तक की अंतिम श्रेणी उपस्थिति में उन्होंने माधवन के साथ काम किया और वजह थुगल सीमन है। 2018-08 में उन्होंने विजय मुख्य भूमिका में शिवकाश निर्देशित तरारसू अजीत कुमार और अभिनीत जी एन थी लिंगो स्वामी उनकी पहली रिलीज थी। उन्होंने लगभग 10 फिल्मों में चरित्र भूमिका निभाई, जिनमें सबसे उल्लेखनीय फिल्में अप्रैल माध्यमिक दोनों रिलीज होने में भी असफल हो रही हैं। इसके बाद वेंकट प्रभु से सहायक भूमिकाओं के लिए संपर्क किया, जिसमें उन्होंने कदल सामा जागथियाना और प्रेम की अमरेंद्र में देखी। वांटेड लेकिन फिल्म को मध्य निर्माण में रद्द कर दिया गया। 2000 के दशक के अंत तक फिल्म को पुनर्जीवित करने और रिलीज करने के प्रयास असफल रहे। प्रभु ने अपने दोस्तों SPB चरण और योगेंद्र के साथ दो और फिल्मों में अभिनय किया और गंगी अमरन पुंजोलाई के साथ संगीत और कई मंच प्रदर्शन किए। और अगले वर्ष प्रभु ने 2007 में वेंकट SPV चरण निर्मित स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म चेन्नई 2028 के साथ फिल्म निर्देशन में कदम रखा और इसके घूम दिया। मुख्य भूमिका में बालन ब्लॉकबस्टर ने अजीत कुमार का निर्देशन किया, जिसे मनकथा 2010 और एक फुल लेंथ कॉमेडी फिल्म बनी, जिसे मिश्रित प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 2011 में उन्होंने अपने अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक्शन थ्रिलर गोवा चरण और प्रेम की सहित फिल्म में चार युवकों की यात्रा दिखाई दी, जो मुख्य सड़क सेट कर एक अपहरणकर्ता गिरोह की यात्रा में पड़ जाते हैं। इसे आलोचकों बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने कलाकारों का शो, जिसमें मुख्य ने 2028 के एक हिटन नंबर से लिया गया था निर्देशन किया, जिसका शीर्षक सोजा, जिसके कारण मुख्य कलाकारों की लोकप्रियता बढ़ी। जिसके बाद उन्होंने कॉमेडी थ्रिलर फिल्म का लेवल प्राप्त करना और अगले वर्ष में क्लासिक चालो चालक प्राप्त करना शुरू किया। उनका अगला प्रोजेक्ट बिरयानी 2013 में अभिनीत कार्थी और हिंसिका मोटवानी वेंकट प्रभु के निर्देशन के बाद मुख्य भूमिका में नयनतारा सूर्या मास और रंगीरा नसीला मानी। उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर चेन्नई 2028 की अगली कड़ी का निर्देशन किया। अक्सर सहयोगी वेंकट प्रभु अक्सर अपने और क्रू सदस्यों के साथ काम करते हैं, जिसमें मुख्य प्रमुख प्रेम जी अमरेन युवान शंकर राजा संपादक शामिल हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट बेड़े स्कूल से की। 10 सितंबर 2001 को वेंकट प्रभु ने निर्देशित KG सरशय की बेटी राजलक्ष्मी से शादी की, और जब उनकी शिवानी नाम की एक बेटी है। शिवानी 5 साल की उम्र में एल्बम के लिए गाना गा चुकी हैं। आओ शादी करें 2023 भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का निर्देशन रमेश थिमलानी ने किया है, जो उनके निर्देशन की पहली फिल्म है। यह इसमें हरीश कल्याण आदिया और के साथ योगी बाबू RJ विजय सहायक भूमिकाओं में है। इसका निर्माण धोनी एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था।
फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी बिना किसी शीर्षक के, जिसकी घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 में शुरू हुई और मई 2023 में पूरी हुई। फिल्म ने संगीत रमेश थेमलानी द्वारा दिया। सिनेमाटोग्राफी विश्वजीत ओडकथिल ने संभाली और संपादन प्रदीप ई राघव द्वारा। प्लॉट फिल्म की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गौतम से होती है, जो अपने दूसरी प्रेम वर्षगांठ के दौरान अपने सहकर्मी और प्रेमिका मीरा को शादी का प्रस्ताव देता है। मीरा इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है कि गौतम की विधवा माँ लीला सहित माता पिता के दोनों समूह गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब मीरा को पता चलता है कि गौतम चाहता है कि शादी के बाद गौतम लीला के साथ उसके घर में रहे, तो उसने गौतम को लीला को छोड़कर शादी रद्द कर दी और क्रोधित और निराश मीरा अंततः गौतम के साथ मेल मिलाप कर लेती है और एक शर्त पर शादी के लिए सहमत हो जाती है। वह अपने परिवार के साथ गौतम के परिवार के साथ कुर्ग की यात्रा पर जाना चाहती है, ताकि दोनों परिवार विशेषकर वह और लीला साथ जा सकें, शादी से पहले बातचीत करें और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें। यदि वह यात्रा के दौरान लीला के साथ नहीं मिल पाती है, तो वह गौतम दोस्त के रूप में अलग हो जाएंगे। वह अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वह ऑफिस ट्रिप पर ले जा रहा है और अपने सहकर्मियों के साथ, जिसके कारण वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विजय को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। यात्रा शुरू होती है और जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लीला मीरा और उसके परिवार के भी यात्रा और हिस्सा होने में सहज नहीं है। हालांकि गौतम और उसे शांत करने में कामयाब होता है और दावा करता है मीरा भी उसकी सहयोगी के रूप में यात्रा का हिस्सा है। हालांकि अंततः उसे मीरा से यात्रा का असली कारण पता चलता है, जो परिवार के साथ नहीं मिल पाने में से परेशान है, जिसमें गौतम का जोश उजागर हो जाता है। गौतम द्वारा झूठ बोलने से क्रोधित होकर मीरा और लीला ने गौतम और विजय सहित अपने बाकी परिवार को घर पर वापस भेज दिया, जबकि दोनों के साथ समय बिताने और एक दूसरे को जानने का फैसला किया। वे गोवा जाते हैं, जो गौतम के आपत्ति के कारण कुरुक से बचने से पहले मीरा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जहां वे एक साथ कई गतिविधियां करते और आनंद लेते हैं। एक दूसरे कंपनी में कुछ घटनाओं के बाद लीला मीरा से प्रभावित हो जाती है और गौतम से उसकी शादी कराने की लिए सहमत हो जाती है। लेकिन इसी मोड़ पर कुरुक लौटते समय वे एक जंगल में बीच में खो जाते हैं। जंगल में मीरा और लीला एक बाघ के जंगल में फंस जाते हैं और तस्कर द्वारा उन्हें पकड़ ले जाता है, जो उन्हें असली बाघ के साथ एक वैन में रखते हैं। लीला और मीरा अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए झगड़ती है, लेकिन जब मीरा को लीला के अस्थमा के बारे में पता चलता है और साथ ही यह पता चलता है कि लीला की बीमारी कैसे हुई, तो वह सुलह कर लेती है और एक माँ के रूप में गौतम को पालने के लिए अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए संघर्ष किया, क्योंकि उनके पति एक सेना अधिकारी गौतम के जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई और लीला ने गौतम से शादी करने के अपने असली इरादे का भी खुलासा किया। अंततः उससे छुटकारा पाने और मंदिरों में जाने सहित उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादी के बाद उसके और गौतम के अलग रहने की मीरा की इच्छा से सहमत है। इस बीच गौतम और विजय, जो घर लौटने के बजाय मीरा और लीला की तलाश कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि वे जंगल में खो गए हैं और एक स्थानीय वन अधिकारी की मदद से वे तस्कर की वैन का पता लगाने और मीरा और लीला को एक साथ ही बाघ दोनों को बचाने के कामयाब होते हैं। गौतम, मीरा और लीला घर लौटते हैं, जहाँ मीरा गौतम से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लीला भी एक शर्त पर शादी के लिए राजी हो गई। उन तीनों को एक साथ एक और यात्रा करनी चाहिए। उत्पादन और विकास मई 2022 के मध्य में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी द्वारा अभिनीत एक योजना का निर्माण करके वो फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत करने की सूचना मिली थी। वह सितंबर मुख्य भूमिका में नयनतारा और महेश बाबू को इस परियोजना के साथ अभिनय करने की सूचना मिली थी। 26 अक्टूबर को कंपनी के एक सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इस परियोजना का निर्देशन नवोदित रमेश थिलमिलानी द्वारा किया जाएगा। हरीश कल्याण और प्रियंका अरुण मोहन को मुख्य रूप भूमिका निभाने की सूचना मिली और 27 जनवरी 2023 को हरीश और कल्याण इवाराई की घोषणा की गई। मुख्य भूमिका निभाते हुए नादिया योगी बाबू आरजी विजय की घोषणा की गई और परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के शीर्षक भी घोषणा की गई। रिसेप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 स्टार दिए और लिखा, यह बाकी है एक और औसत के नीचे का रोमांटिक ड्रामा, जो घर वापस ले जाने के लिए कुछ नहीं देता। किचन ने के 5 में से 1 स्टार दिया और फिल्म को एक खराब तरीके से बनाई गई रोमांटिक ड्रामा माना, जो सभी अच्छे विचार से इसे मेज पर महान नहीं बनाते का सही उदाहरण है। मिर्ची प्लस की मीरा वेणुगोपाल ने इसे 5 में 2 स्टार दिए और लिखा है, MS धोनी का यह पहला फीचर प्रोडक्शन था जिसमें अगर विस्तार किया जाए तो यह एक बेहतरीन रोमांटिक कॉम बनने की क्षमता रखता है, लेकिन लेखन और संगीत छायांकन संगीत विभागों में शून्य प्रयास के साथ हम इस एक उत्साह में रह रहे हैं। पेची और
अध्यापन एबीपी लाइव तमिल की फिल्मों को मिश्रित समीक्षा दी और कहा कि फिल्म आशाजनक है। हरीश कल्याण जन्म 29 जून 1990 एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें अभिनय की शुरुआत 2010 में सिंधु सामेली से हुई थी। पोरियालन 2014 विलम्बो में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने से पहले 2016 और प्यार प्रेमा कादल 2018 फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 से 2017। हरीश कल्याण ने अपनी शुरुआत श्यामी वादास्पद सिंधु सामेली 2010 और अंबू की भूमिका निभाते जिसकी पत्नी का अपने ससुर के साथ अलग संबंध है। रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली जबकि कुछ आलोचकों ने फिल्म के किरदार पर अपनी घृणा व्यक्त करते हुए फिल्म को रेटिंग देने से इनकार कर दिया। आलोचकों ने संबंध में उनकी अगली भूमिका का वर्णन किया। म्यूजिकल हरिदू 2010 ठीक है लेकिन फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत करने में असफल रही। इसके बाद हरीश एस में काम करने लगे और ए चंद्रशेखर सत्यपदी को ट्रम 2011 जिसमें विक्रांत और भानु अन्य भूमिकाओं में फिल्म में हमारी कानूनी व्यवस्था के अपेक्षित बदलाव को दिखाया गया जिसमें हरीश ने एक बिड़िया लड़की भूमिका निभाई जो एक नया पत्ता चुनता है। फिल्म में फिल्म को खराब समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। अगली बार उन्हें करुणा श्वेता प्रसाद और फिल्म निर्माता सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई और नाबाकी फिल्म पर भी काम किया। पूनम कौर के विपरीत मेहमान इस अवधि के दौरान उन्होंने जय श्री राम का काम किया। फिल्म चिंदा मामा ने 2013 की कॉमेडी फिल्म संजना सिंह आधा दर्जन फिल्मों के बाद आखिरकार उन्हें थ्रिलर पोरियालन और 2014 में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस किया गया जहां उन्होंने एक युवा नागरिक का किरदार निभाया जो प्रॉपर्टी डेवलपर बनने के इच्छुक वो इंजीनियर रियल एस्टेट घोटाले में फंस गए और वैन त्रिमारन द्वारा निर्मित और इसमें उनके साथ है आनंदी और पोरियालन आलोचकों के साथ हरीश का पहला सफल उद्यम बन गया जिसमें उन्होंने प्रदर्शन की प्रशंसा की और पोरियालन की सफलता ने फिल्म निर्माता और सिंथिया नंदन के प्रोडक्शन और बिल्लू अंबू 2016 में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हरीश का चयन करें और अपने पिता कल्याण श्रीवाजकों ने हरीश के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बड़ा स्कोर करता और अपनी आकर्षक स्थल और साफ सुथरी विशेषताओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित होना गया है। सकारात्मक समीक्षा पाने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उचित कारोबार किया। 2017 में हरीश एक और तेलुगु फिल्म रोमांटिक कॉमेडी कादले में दिखाई दिए जहाँ उन्होंने साई रौनक के साथ अभिनय किया और पूजा दोषी और एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपना किरदार परिपक्वता के साथ निभाते हैं। ब्रेक टू 2018 से वर्तमान 2017 में हरीश ने तमिल रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस में एक पहले सीजन में भाग लिया जिसे उन्होंने 53 दिन में एक नए प्रतियोगी के रूप में शो में प्रवेश किया। शो के दूसरे रनर अप के रूप में समाप्त हुए। शो में अपनी सफल उपस्थिति के बाद हरीश कल्याण को ऐलान के रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कादल बिग बॉस प्रतियोगी राइजा विल्सन चेन्नई में एक भोले वाले आईटी कार्यकर्ता श्री कुमार का किरदार निभा कर उन्होंने जीत हासिल करना और चेतन के लिए नकारात्मक संख्या मिली क्योंकि फिल्म को रिलीज होने पर आलोचनात्मक व्यावसायिक प्रशंसा मिली। 2019 में हरीश कल्याण ने इस पाड़े राज हवम इधाया रानियम द्वारा निर्देशित फिल्म में एक मध्यम वर्गीय लड़की की भूमिका निभाई जिसमें गुस्से की बड़ी समस्या थी। उसका बचपन परेशान था। रंजीत जयकोड़ी आलोचक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत ने पाया कि हरीश कल्याण एक आक्रामक और स्वामित्व वाले युवा के रूप में उत्कृष्ट हैं। एक ऐसा चरित्र जो अपने द्वार प्यार प्रेम कादल में निभाए गए चरित्र से काफ़ी भिन्न है। फिल्म कॉलेज को एक प्रशंसा दर्शकों की व्यापक प्रतिक्रिया दोनों मिली। अपनी पिछली फिल्मों के अगले दरवाजे वाली लड़की भूमिका निभाने के बाद कल्याण को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा और गौतम की भूमिका की तैयारी के लिए वजन बढ़ाने के अलावा उन्होंने अपने रफ लुक के लिए दाढ़ी भी बढ़ाई और निर्देशक के बेटे संजय भारती सर के फिल्म धनुषु राशि ने अगले में विक्की डॉन प्रभु गोविंद के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की जो 2012 की हिंदी फिल्म का तमिल रूपांतरित संस्करण है। धरला प्रभु हरीश में फिल्म में उन्होंने जोशियम और जंदम में कटरास्ती की भूमिका निभाई और एक कॉमेडी ड्रामा था जिसमें मुख्य पुरुष किरदार था तो अत्यधिक अधिशासी था और संथाना भारतीय नवोदित कृष्ण मारीमुथु द्वारा निर्देशित फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्हें फिल्म भूदेवन के दिलचस्प मनोरंजन शीर्षक में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। कसाड़ा था पारा जो वेंकट प्रभु की ब्लैक टिकट कंपनी द्वारा निर्मित है। इसके अलावा हरीश ने ओ
मैन पेने में मुख्य भूमिका निभाई और पहले चुपलू का तमिल रीमेक धोनी एंटरटेनमेंट्स के गांव में तो वाले में धोनी आइए जाने में भाई तो वह अगली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म तेलुगु 2021-16। अन्य कार्य हरीश कल्याण ने हिंदुस्तानी संगीत सीखा और कोई बोर्ड जनवरी 2012 के दौरान उन्होंने कुट्टी पे अपोस्ट टू लाइफ शीर्षक वाले दो गाने रिलीज करने के अपने इरादे की घोषणा की जो जिन पर उन्होंने काम किया था और ओवागुरु और मनुषानुकम और ओवरु फीलिंग्स 2016 में हरीश ने आई एम सिंगर शीर्षक में एक स्वतंत्र गीत जारी किया जो काम कर रहा है और उस गाने में गायक और गीतकार के रूप में जिसका संगीत एलवी मधुकर स्वामी ने तैयार किया था। निजी जीवन उनके पिता फाइव स्टार कल्याण और एक फिल्म वितरक संगीत लेबल के मालिक हैं। उन्होंने हरीश कल्याण की भूमिका निभाई है और विलंबू 2016 अक्टूबर 2022 में हरीश कल्याण ने नर्मदा उदय कुमार से शादी की। जरीन मोइदू जी ने उनके स्टेज नाम ना दिया मोइदू के नाम में से जाना जाए। मुख्य रूप से तमिल भाषा की फिल्मों में साथ साथ मलयालम तेलुगु फिल्मों उन्होंने 1984 मलयालम भाषा की तमिल फिल्म नौके था दुराती कुन्नम नट्टू से अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अभिनेत्री मलयालम बाद में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय किया। उन्होंने अहम एम से तमिल फिल्मों में वापसी की और कुमारन पुत्र महालक्ष्मी उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए उनका आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2013 में उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उनके द्वारा निभाई गई दोनों भूमिकाओं के लिए प्रशंसा मिली। एक तेलुगु भाषा की फिल्म में अभिनेता वरुण तेज की माँ की भूमिका गणी और एंटार्टिक की और डैडी ने जिद्दी चाची भूमिका निभाने के लिए उन्हें एंटार्टिक की डैडी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला 2013 में। प्रारंभिक जीवन नादिया का जन्म मलयाली माता पिता के घर और उनका बचपन मुंबई के सायन में बीता। उन्होंने पिता थालसरी से है उनकी माँ तिरुवल्ला से है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा जेबी वाजा हाई स्कूल फॉर पारसी गर्ल्स मुंबई से हुई और उनकी प्री यूनिवर्सिटी डिग्री सर जमशेद जीजे बॉय स्कूल ऑफ आर्ट और उसके बाद यह अपनी कॉलेज की पढ़ाई नहीं रख सकी क्योंकि तब तक वह अपने फिल्मों में व्यस्त हो गई थी। उन्होंने मीडिया प्रबंधन से एसोसिएट डिग्री हासिल की और बीए संचार कला में रेडियो और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए टेलीविजन किया। निजी जीवन नादिया ने 1988 में विशेष सीरीज गोडबोले से शादी की। दंपति की दो बेटियां सनम और जाना है। अपनी शादी के बाद वह अपने पिता पति और बेटियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रही। वर्ष 2000 में वह लंदन यूनाइटेड किंगडम चली गई और वहीं रही। 2007 तक वहीं रही। 2008 में बात लौट आई और वर्तमान में मुंबई में रहती हैं अपने परिवार के साथ। करियर नादिया ने अपना डेब्यू मलयालम फिल्म नौके था कलम नट्टू 1984 से किया। उनके साथ इस फिल्म का रीमेक जिसमें उन्होंने पद्मिनी और मोहनलाल के रूप में पूजितावे 1985 में पद्मिनी और तमिल में अपनी शुरुआत की। नादिया का दावा है कि मोना राघव रेवती की भूमिका के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था और 1986 में एक तमिल फिल्म लेकिन पूर्व प्रतियोगिताओं के आना स्वीकार कर दी गई। 1990 में दशक के मध्य में अमेरिका जाने से पहले उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में कुछ समय के लिए वापसी की। इवाना जिसे उनके जन्म नाम हेलिना साजी के भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और मलयालम में काम करती हैं। भाषाई फिल्में करियर अलीरा ने मास्टर 2012 में साइकिल अकाउंट के माध्यम से मलयालम फिल्म उद्योग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। महत्वपूर्ण भूमिका में बाला ने अनुरोध किया कि उन्हें एक मंच नामों का उपयोग करना चाहिए जो तमिल दर्शकों के लिए उच्चारण करना आसान होगा और अपने चचेरे भाई की शुरुआत से उन्होंने इवाना नाम को अंतिम रूप दिया। और जीवी प्रकाश कुमार और अनुराग करीकुरन वेल्लम 2018 में कास्ट करने का फैसला किया जिसमें नाचियार ऑनलाइन और बाद में अलीना को अपनी तमिल फिल्म में बाला निर्देशक 2016 में मुख्य किरदार की बेटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुराग कार्यक्रम वेलम 2015 तीन साल बाद अलीना ने इसके बाद रानी पद्मनी और रिकी व मासूम लड़की अर्शिका किरदार निभाते हुए इवाना को इसके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। सेफी डॉट कॉम ने कहा कि सुंदर आज चेहरे और बड़े अभिव्यंजक आँखों के साथ इवाना पूरी तरह से विश्वसनीय राशि बनाती है। इसी तरह द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक ने कुछ कहा कि इवाना ने प्रभावशाली शुरुआत की है जबकि इंडिया टुडे ने समीक्षक ने कहा कि इवाना शानदार प्रदर्शन करती है। योगी बाबू जन्म 22 जुलाई 1986 एक भारतीय अभिनेता आशा अभिनेता हैं जो तमिल फिल्म में दिखाई देते हैं। वह 3 बार विक्टर सिनेमा पुरस्कार विजेता रहे हैं। उन्होंने आनंदवन कट्टलई कोलामावु को किला 2018 और पेरियम पेरुमल 2018। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन बाबू का जन्म 22 जुलाई 1986 को अरनी में हुआ। उनके पिता हवालदार भारतीय सेना में इसलिए बाबू को बचपन से बहुत यात्रा करनी पड़ी जिसके बिना उन्होंने पढ़ाई की।
1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू में बाबू ने 5 फरवरी 2020 को तिरुतनी में अपने पैतृक मंदिर में आयोजित एक अंतरंग समारोह में मंजू भार्गव से शादी की। करियर बाबू ने सहायक निर्देशक के रूप में लोलू सभा और 2 साल तक दृश्य लिखने में मदद की। उन्होंने अपने फीचर फिल्म की शुरुआत अमीर अभिनीत होगी योगी 2009 एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में। उसके बाद उन्होंने फिल्म के नाम को अपने मंच के नाम के उपसर्ग के रूप में अपनाया। रुपया में एक गुंडे के रूप में दिखाई दिया। बाद में वह चंद्रशेखर का तो यार नहीं तो उन्होंने हिंदी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने शिव कार्तिक के नाम और कराटे यामी रुक्का बया में 2014 में भयानक हास्य अभिनेता के रूप में 2015 में उन्होंने 1 दर्जन के अधिक फिल्मों में काम किया। और काका मती 2015 तक की रूमी 2015 योगी बाबू के लिए 10-16 और 1 सफल वर्ष रहा। उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया। विजय सेतुपति के साथ आनंद भवन कट्टलई में अपनी भूमिका की लालचना को प्रशंसा प्राप्त की। इसके बाद कोलमा वो कोकिला 2018 जहाँ उन्होंने नयनतारा के प्रथम के एक तरफा प्रेमी चित्रण को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। जबकि कल्याण वाई सुजाना उन्होंने उनकी हरकतें वायरल हो गई और वह पैडो परमल 2018 में सहायक किरदार के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म का आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचनाओं ने योगी बाबू कॉमेडी प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने प्यारे बादल प्रभु 2019 जिसमें उन्होंने एक अंकित भूमिका निभाई। उन्होंने गोरखा 2019 में अहम भूमिका निभाई। कई फिल्मों में कॉमिक रिलीफ के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। वेंकट कुमार गंगई अमरेंद्र जन्म 7 नवंबर 1975 जिन्हें उनके मंच नाम से बेहतर जाना जाता है वेंकट प्रभु। तमिल फिल्मों में भारतीय निर्देशक अभिनेता पार्श्व गायक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय करियर बनाना शुरू किया। उनके पहले तीन उद्यम में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई लेकिन रिलीज होने में असफल रही। इसके बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। एक फिल्म निर्देशक और संगीत निर्देशक हैं गंगई अमरन बिरयानी और मास 2013 2011 मनकथा 2010 2018 सरोजा अपने बाग के निर्देशन से निर्देशक बने जिनमें की वह पहली बार सुर्खियों में आए जब वह ग्रीष्मकालीन हिट थी प्रारंभिक जीवन करियर। भारत लौटने के बाद प्रभु ने अपने चचेरे भाइयों युवान शंकर राजा द्वारा डेमो के लिए गाना शुरू किया और कार्तिक राजा और फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। 1996 में वह उन्होंने उनके भाई प्रेम की अमरेन उनके रोशन के दोस्त SIPV चरण नेक्स्ट और जनरेशन नामक एक संगीत बैंड की स्थापना की जिसमें और थामन दर्शक के रूप में दोनों से कलाकार चरण हैं गना बगम और उथिन ने चरणा दैन के निर्देशन में पहली फिल्म सुनथिर कहानी अपनी अब तक की अंतिम श्रेय उपस्थिति में उन्होंने माधवन के साथ काम किया और वजह थुगल सीमन है। 2018-08 में उन्होंने विजय मुख्य भूमिका में शिवकाश निर्देशित तरार सु अजित कुमार और अभिनीत जी एन थी लिंगो स्वामी उनकी पहली रिलीज थी। उन्होंने लगभग 10 फिल्मों में चरित्र भूमिका निभाई जिनमें सबसे उल्लेखनीय फिल्में अप्रैल माध्यमिक दोनों रिलीज होने में भी असफल हो रही हैं। इसके बाद वेंकट प्रभु से सहायक भूमिकाओं के लिए संपर्क किया जिसमें उन्होंने कदल समाज जागतियाना और प्रेम की अमरेंद्र में देखी। वांटेड लेकिन फिल्म को मध्य निर्माण में रद्द कर दिया गया। 2000 के दशक के अंत तक फिल्म को पुनर्जीवित करने और रिलीज करने के प्रयास सफल रहे। प्रभु ने अपने दोस्तों SPB चरण योगेंद्र के साथ 2 और फिल्मों में अभिनय किया और गंगी अमरन पुंजोलाई के साथ संगीत और कई मंच प्रदर्शन किए। और अगले वर्ष प्रभु ने 2007 में वेंकट प्रभु SPV चरण निर्मित स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म चेन्नई 6/28 के साथ फिल्म निर्देशन में कदम रखा और इसके घूमती मुख्य भूमिका में बालन ब्लॉकबस्टर है अजित कुमार का निर्देशन किया जिसे मनकथा 2010 और एक फुल लेंथ कॉमेडी फिल्म बनी जिससे मिश्रित प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 2011 में उन्होंने अपने अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक्शन थ्रिलर गोवा चरण और प्रेम की सहित फिल्म में 4 युवकों की यात्रा दिखाई दी जो मुख्य सड़क सेट कर एक अपहरणकर्ता गिरोह की यात्रा में पड़ जाते हैं। इसे आलोचकों बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने कलाकार का सोच मुख्य ने 6/28 की एक हिटन नंबर से लिया गया था निर्देशन किया जिसका शीर्षक सोचा जिसके कारण मुख्य कलाकारों की लोकप्रियता बढ़ी जिसके बाद उन्होंने कॉमेडी थ्रिलर फिल्म काले बाल प्राप्त करना और अगले वर्ष संपन्न क्लासिक चालो चालक प्राप्त करना शुरू किया। उनका अगला प्रोजेक्ट बिरयानी 2013 में अभिनीत
कार्थी और हिंस कमोटवानी वेंकट प्रभु के निर्देशन कर मुख्य भूमिका में नयनतारा सूर्या मास और रंगीरा मसीला मानी। उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर चेन्नई 6/28 की अगली कड़ी का निर्देशन किया। अक्सर सहयोगी वेंकट प्रभु अक्सर अपने और क्रू सदस्यों के साथ काम करते हैं, जिसमें मुख्य प्रमुख प्रेम जी अम्बरेन, युवान शंकर राजा, संपादक शामिल हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट बेड़े स्कूल से की। 10 सितंबर 2001 को वेंकट प्रभु ने निर्देशित के जी सशय की बेटी राजलक्ष्मी शादी की, और जब उनकी शिवानी नाम की एक बेटी है। शिवानी 5 साल की उम्र में एल्बम के लिए गाना गा चुकी हैं। आओ शादी करें 2023 भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का निर्देशन रमेश थिमलानी ने किया है, जो उनके निर्देशन की पहली फिल्म है। यह इसमें हरीश कल्याण नादिया और के साथ योगी बाबू आर जे विजय सहायक भूमिकाओं में है। इसका निर्माण धोनी एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी। विनायक शीर्षक के जिसकी घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 में शुरू हुई और मई 2023 में पूरी हुई। फिल्म ने संगीत रमेश थिमलानी सिनेमाटोग्राफी विश्वजीत ओडकथिल ने संभाली और संपादन प्रदीप ई राघव द्वारा। प्लॉट फिल्म की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गौतम से होती है, जो अपनी दूसरी प्रेम वर्षगांठ के दौरान अपने सहकर्मी और प्रेमिका मीरा को शादी का प्रस्ताव देता है। मीरा इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है कि गौतम की विधवा माँ लीला सहित माता पिता की दोनों समूह गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब मीरा को पता चलता है कि गौतम चाहता है कि शादी के बाद गौतम लीला के साथ उसके घर में रहे, तो उसने गौतम को लीला को छोड़कर शादी रद्द कर दी। और क्रोधित और निराश मीरा अंततः गौतम के साथ मेल मिलाप कर लेती है और एक शर्त पर शादी के लिए सहमत हो जाती है। वह अपने परिवार के साथ गौतम के परिवार के साथ कुर्ग की यात्रा पर जाना चाहती है, ताकि दोनों परिवार शेष कर वह और लीला साथ जा सके। शादी से पहले बातचीत करें और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें। यदि वह यात्रा के दौरान लीला के साथ नहीं मिल पाती है, तो वह गौतम दोस्त के रूप में अलग हो जाएंगे। वह अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वह ऑफिस ट्रिप पर ले जा रहा है और अपने सहकर्मियों के साथ, जिसके कारण वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विजय को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। यात्रा शुरू होती है और जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लीला मीरा और उसके परिवार के भी यात्रा और हिस्सा होने में सहज नहीं है। हालांकि गौतम और उसे शांत करने में कामयाब होता है और दावा करता है मीरा भी उसकी सहयोगी के रूप में यात्रा का हिस्सा है। हालांकि अंततः उसे मीरा से यात्रा का असली कारण पता चलता है, जो परिवार के साथ नहीं मिल पाने में से परेशान है, जिसमें गौतम का जोश उजागर हो जाता है। गौतम द्वारा झूठ बोलने से प्रेरित होकर मीरा और लीला ने गौतम और विजय सहित अपने बाकी परिवार को घर पर वापस भेज दिया, जबकि दोनों के साथ समय बिताने और एक दूसरे को जानने का फैसला किया। वे गोवा जाते हैं, जो गौतम के आपत्ति के कारण कुरुक से बचने से पहले मीरा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जहां वे एक साथ कई गतिविधियां करते और आनंद लेते हैं। एक दूसरे की कंपनियों की घटनाओं के बाद लीला मीरा से प्रभावित हो जाती है और गौतम से उसकी शादी कराने की लिए सहमत हो जाती है। लेकिन इसी मोड़ पर कुरुक लौटते समय वे एक जंगल में बीच में खो जाते हैं। जंगल में मीरा और लीला एक बाघ के जंगल में फंस जाते हैं। तस्कर द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है, जो उन्हें असली बाघ के साथ एक वैन में रखते हैं। लीला और मीरा अपनी दुरिच्छा के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए झगड़ती है, लेकिन जब मीरा को लीला के अस्थमा के बारे में पता चलता है और साथ ही यह पता चलता है कि लीला की बीमारी कैसे हुई, तो वह सुलह कर लेती है और एक माँ के रूप में गौतम को पालने के लिए अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए संघर्ष किया, क्योंकि उनके पति एक सेनाधिकारी गौतम के जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। और लीला ने गौतम से शादी करने के अपने असली इरादे का भी खुलासा किया। अंततः उससे छुटकारा पाने और मंदिरों में जाने सहित उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादी के बाद उसके और गौतम के अलग रहने की मीरा की इच्छा से सहमत है। इस बीच गौतम और विजय, जो घर लौटने के बजाय मीरा और लीला की तलाश कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि वे जंगल में खो गए हैं और एक स्थानीय वन अधिकारी की मदद से वे तस्कर की वैन का पता लगाने और मीरा और लीला को एक साथ ही बाघ दोनों को बचाने के कामयाब होते हैं। गौतम, मीरा और लीला घर लौटते हैं, जहाँ मीरा गौतम से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लीला भी एक शर्त पर शादी के लिए राजी हो गई। उन तीनों को एक साथ एक और यात्रा करनी चाहिए। उत्पादन और विकास मई 2022 के मध्य में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी एमएस धोनी द्वारा अभिनीत एक योजना का निर्माण करके वो फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत करने की सूचना मिली थी। वह सितंबर मुख्य भूमिका में नयनतारा और रमेश बाबू को इस परियोजना के साथ अभिनय करने की सूचना मिली थी। 26 अक्टूबर को कंपनी के एक सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इस परियोजना का निर्देशन नवोदित रमेश थिलमिलानी द्वारा किया जाएगा।
हरीश कल्याण और प्रियंका अरुण मोहन को मुख्य रूप भूमिका निभाने की सूचना मिली और 27 जनवरी 2023 को हरीश और कल्याण इवाराय की घोषणा की गई। मुख्य भूमिका निभाते हुए नादिया योगी बाबू आर जी विजय की घोषणा की गई और परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फिल्म के शीर्षक भी घोषणा की गई। रिसेप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5 स्टार दिए। लिखा यह बाकी है एक और औषध के नीचे का रोमांटिक ड्रामा जो घर वापस ले जाने के लिए कुछ नहीं देता। किचन ने के 5 में से 1 स्टार दिया। फिल्म को एक खराब तरीके से बनाएगी रोमांटिक ड्रामा माना जो सभी अच्छे विचार से इसे पर महान नहीं बनाते का सही उदाहरण है। मिर्ची प्लेस मिर्ची प्लस की मीरा बहन गोपाल ने इसे 5 में 2 स्टार दिए। लिखा है जी अमेजोन का यह पहला फीचर प्रोडक्शन था जिसमें अगर विस्तार किया जाए तो यह एक बेहतरीन रोमांटिक कॉम बनने की क्षमता रखता है। लेकिन लेखन और संगीत छायांकन संगीत विभागों में शून्य प्रयास के साथ हम इस एक उत्साह उत्सव में रह रहे हैं। पेची और वैद्यपन एबीपी लाइव तमिल की फिल्मों को मिश्रित समीक्षा दी और कहा कि फिल्म आशाजनक है। हरीश कल्याण जन्म 29 जून 1990 एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें अभिनय की शुरुआत 2010 में सिंधु सामेली से हुई थी। पोरियालन 2014 विलम्बो में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने से पहले 2016 और प्यार प्रेमा कादल 2018 फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 से 2017। हरीश कल्याण ने अपनी शुरुआत श्यामी वादास्पद सिंधु सामवेली 2010 और अंबू की भूमिका निभाते जिसकी पत्नी का अपने ससुर के साथ अवैध संबंध है। रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली जबकि कुछ आलोचकों ने फिल्म के किरदारों पर अपनी घृणा व्यक्त करते हुए फिल्म को रेटिंग देने से इनकार कर दिया। आलोचकों ने संबंध में उनकी अगली भूमिका का वर्णन किया और म्यूजिकल हरिदू 2010 ठीक है लेकिन फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत करने में असफल रही। इसके बाद हरीश एस में काम करने लगे और ये चंद्रशेखर सत्यपति को ट्रम 2011 जिसमें विक्रांत और भानु अन्य भूमिकाओं में फिल्म में हमारी कानून व्यवस्था के अपेक्षित बदलाव को दिखाया गया जिसमें हरीश ने एक बिड़िया लड़की भूमिका निभाई जो अंत एक नया पत्ता चुनता है। फिल्म में फिल्म को खराब समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। अगली बार उन्हें करुणा श्वेता प्रसाद और फिल्म निर्माता सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई और ना बाकी फिल्म पर भी काम किया। पूनम कौर के विपरीत मेहमान इस अवधि के दौरान उन्होंने जय श्री राम का काम किया और फिल्म चिंदा मामा ने 2013 की कॉमेडी फिल्म संजना सिंह आधा दर्जन फिल्मों के बाद आखिरकार उन्हें थ्रिलर पोरियालन और 2014 में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस किया गया जहां उन्होंने एक युवा नागरिक का किरदार निभाया जो प्रॉपर्टी डेवलपर बनने के इच्छुक और इंजीनियर रियल एस्टेट घोटाले में फंस गए और वेंत्रीमारन द्वारा निर्मित और इसमें उनके साथ है आनंदी और पोरियालन आलोचकों के साथ हरीश का पहला सफल उद्यम बन गया जिसमें उन्होंने प्रदर्शन की प्रशंसा की और पोरियालन की सफलता ने फिल्म निर्माता सिंथिया नंदन के प्रोडक्शन और विल्लू अंबू 2016 में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हरीश का चयन करें और अपने पिता कल्याण श्रीवाजकों ने हरीश के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बड़ा स्कोर करता और अपनी आकर्षक स्थल और साफ सुथरी विशेषताओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित होना गया है। सकारात्मक समीक्षा पाने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उचित कारोबार किया। 2017 में हरीश एक और तेलुगु फिल्म रोमांटिक कॉमेडी कादले में दिखाई दिए जहाँ उन्होंने साई रौनक के साथ अभिनय किया और पूजा दोषी और एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपना किरदार परिपक्वता के साथ निभाते हैं। ब्रेक टू 2018 से वर्तमान 2017 में हरीश ने तमिल रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस में एक पहले सीजन में भाग लिया जिसे उन्होंने 53वें दिन में एक नए प्रतियोगी के रूप में शो में प्रवेश किया। शो के दूसरे रनर अप के रूप में समाप्त हुए। शो में अपनी सफल उपस्थिति के बाद हरीश कल्याण को ऐलान के रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कादल बिग बॉस प्रतियोगी रायजा विल्सन चेन्नई में एक भोले वाले आईटी कार्यकर्ता श्री कुमार का किरदार निभा कर उन्होंने जीत हासिल करना और चेतन के लिए नकारात्मक संख्या मिली क्योंकि फिल्म को रिलीज होने पर आलोचना तक व्यावसायिक प्रशंसा मिली। 2019 में हरीश कल्याण ने इस पाड़े राज वुम इधाया रानियम द्वारा निर्देशित फिल्म में एक मध्यमवर्गीय लड़की भूमिका निभाई जिसमें उससे की बड़ी समस्या थी उसका बचपन परेशान था। रंजीत जयकोड़ी आलोचक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत ने पाया कि हरीश कल्याण एक आक्रामक और स्वामित्व वाले युवा के रूप में उत्कृष्ट है। एक ऐसा चरित्र जो अपने द्वार
प्यार प्रेम काजल में निभाए गए चरित्र से काफ़ी भिन्न है। फिल्म कॉलेज को प्रशंसा और दर्शकों की व्यापक प्रतिक्रिया दोनों मिली। अपनी पिछली फिल्मों के अगले दरवाजे वाली लड़की भूमिका निभाने के बाद कल्याण को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा और गौतम की भूमिका की तैयारी के लिए वजन बढ़ाने के अलावा उन्होंने अपने रफ लुक के लिए दाढ़ी भी बढ़ाई और निर्देशक के बेटे संजय भारती के साथ उनके फिल्म धनुषु राशि नेहरगले में विक्की डॉन ने प्रभु गोविंद के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की, जो 2012 की हिंदी फिल्म का ग्रामीण रूपांतरित संस्करण है। धरला प्रभु हरीश में फिल्म में उन्होंने जोशियम और जंदम में कट्टरास्ती की भूमिका निभाई और एक कॉमेडी ड्रामा था जिसमें मुख्य पुरुष किरदार था तो अत्यधिक अंधविश्वासी था और संथाना भारतीय नवोदित कृष्ण मारीमुथु द्वारा निर्देशित फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्हें शंभु देवन के दिलचस्प मनोरंजन शीर्षक में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। कसाड़ा थपारा जो वेंकट प्रभु की ब्लैक टिकट कंपनी द्वारा निर्मित है। इसके अलावा हरीश ने ओ मैन पेने में मुख्य भूमिका निभाई और पहले चुप्पू का तमिल रीमेक धोनी एंटरटेनमेंट के नाम में तो एम एस धोनी निर्मित आइए जाने में भाई तो वह अगली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म तेलुगु 2021-16। अन्य कार्य हरीश कल्याण ने हिंदुस्तानी संगीत सीखा और बोर्ड जनवरी 2012 के दौरान उन्होंने कुट्टी पे पोस्ट टू लाइफ शीर्षक वाले दो गाने रिलीज करने के अपने इरादे की घोषणा की जिन पर उन्होंने काम किया था। और ओवागुरु और मनुषानुकम और ओवरू फिलिंग्स 2016 में हरीश ने आई एम सिंगर शीर्षक में एक स्वतंत्र गीत जारी किया जो काम कर रहा है। उस गाने में गायक और गीतकार के रूप में जिसका संगीत एलवी मधुकर स्वामी ने तैयार किया था। निजी जीवन उनके पिता फाइव स्टार कल्याण और एक फिल्म वितरक संगीत लेबल के मालिक है। उन्होंने हरीश कल्याण भूमिका निभाई है और विल अम्बू 2016 अक्टूबर 2022 में हरीश कल्याण ने नर्मदा उदय कुमार से शादी की। जरीन मोइदू जी ने उनके स्टेज नाम ना दिया मोइदू के नाम में से जाना जाए। मुख्य रूप से तमिल भाषा की फिल्मों में साथ साथ मलयालम तेलुगु फिल्मों उन्होंने 1984 मलयालम भाषा की तमिल फिल्म नोकेथा दुरातु कुन्नम नट्टू से अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अभिनेत्री मलयालम बाद में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय किया। उन्होंने अहम एम से तमिल फिल्मों में वापसी की और कुमारन पुत्र महालक्ष्मी उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए उनका आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2013 में उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उनके द्वारा निभाई गई दोनों भूमिकाओं के लिए प्रशंसा मिली। एक तेलुगु भाषा की फिल्म में अभिनेता वरुण तेज की माँ की भूमिका गणी और अंटार्कटिका की और डैडी ने जिद्दी चाची की भूमिका निभाने के लिए उन्हें अंटार्कटिका की डैडी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। 2013 में प्रारंभिक जीवन नादिया का जन्म मलयाली माता पिता के घर हुआ। उनका बचपन मुंबई के सायन में बीता। उन्होंने पिता थालसरी से है, उनकी माँ तिरुवल्ला से है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा द जे बी वाजा हाई स्कूल फॉर पारसी गर्ल्स मुंबई से हुई और उनकी प्री यूनिवर्सिटी डिग्री सर जमशेद जीजेबाई स्कूल ऑफ आर्ट। उसके बाद यह अपनी कॉलेज की पढ़ाई नहीं रख सकी क्योंकि तब तक वह अपने फिल्मों में व्यस्त हो गई थी। उन्होंने मीडिया प्रबंधन से एसोसिएट डिग्री हासिल की और बी ए संचार कला में रेडियो और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए टेलीविजन किया। निजी जीवन नादिया ने 1988 में विशेष सीरीज गोरबोले से शादी की। दंपति की दो बेटियां सनम और जाना है। अपनी शादी के बाद वह अपने पिता पति और बेटियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रही। वर्ष 2000 में वह लंदन यूनाइटेड किंगडम चली गई और वहीं रही। 2007 तक वहीं रही। 2008 में बात लौट आई और वर्तमान मुंबई में रहती हैं अपने परिवार के साथ। करियर नादिया ने अपना डेब्यू मलयालम फिल्म नोकेथा दुरातु कुन्नम नट्टू 1984 से किया। उनके साथ इस फिल्म का रीमेक जिसमें उन्होंने पद्मिनी और मोहनलाल के रूप में पूजितावे 1985 में पद्मिनी तमिल में अपनी शुरुआत की। नादिया का दावा है कि मोना राघव रेवती की भूमिका के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था और 1986 में एक तमिल फिल्म लेकिन पूर्व प्रतिबद्धता उनके आना स्वीकार कर दी गई। 1990 में दशक के मध्य में अमेरिका जाने से पहले उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में कुछ समय के लिए वापसी की। इवाना जिसे उनके जन्म नाम हेलिना साजी किरण भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और मलयालम में काम करती हैं। भाषाई फिल्में करियर हलीरा ने मास्टर 2012 में साइकिल इनकाउंट के माध्यम से मलयालम फिल्म उद्योग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया।
महत्वपूर्ण भूमिका में बाला ने अनुरोध किया कि उन्हें एक मंच नामों का उपयोग करना चाहिए जो तमिल दर्शकों के लिए उच्चारण करना आसान होगा, और अपने चचेरे भाई की शुरुआत से उन्होंने बानो नाम को अंतिम रूप दिया। जीवी प्रकाश कुमार और अनुराग करीकुर वेल्लम 2018 में कास्ट करने का फैसला किया, जिसमें नाचियार ऑनलाइन और बाद में अलीना को अपनी तमिल फिल्म ने बाला निर्देशक 2016 मुख्य किरदार की बेटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुराग कार्यक्रम वेलम 2015 3 साल बाद अलीना ने इसके बाद रानी पद्मनी और एक युवा मासूम लड़की अर्शी का किरदार निभाते हुए इवाना को इसके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। Sefi.com ने कहा कि सुंदर आज चेहरे और बड़े अभिव्यंजक आँखों के साथ इवाना पूरी तरह से विश्वसनीय राशि बनाती है। इसी तरह द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक ने कुछ कहा कि इवाना ने प्रभावशाली शुरुआत की है, जबकि इंडिया टुडे ने समीक्षक ने कहा कि इवाना शानदार प्रदर्शन करती है। योगी बाबू जन्म 22 जुलाई 1986 एक भारतीय अभिनेता हास्य अभिनेता हैं जो तमिल फिल्म में दिखाई देते हैं। वह 3 बार विक्टर सिनेमा पुरस्कार विजेता रहे हैं। उन्होंने आनंदवन कट्टलई कोलामोव कोकिला 2018 और पेरियम पेरुमल 2018। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन, बाबू का जन्म 22 जुलाई 1986 को अरनी में हुआ। उनके पिता हवालदार भारतीय सेना में, इसलिए बाबू को बचपन से ही बहुत यात्रा करनी पड़ी, जिसके बिना उन्होंने पढ़ाई की। सौ 90 के दशक की शुरुआत में जम्मू में बाबू ने 5 फरवरी 2020 को तिरुतनी में अपने पैतृक मंदिर में आयोजित एक अंतरंग समारोह में मंजू भार्गव से शादी की। करियर, बाबू ने सहायक निर्देशक के रूप में लोलू सभा और 2 साल तक दर्शक लिखने में मदद की। उन्होंने अपने फीचर फिल्म की शुरुआत अमीर अभिनीत होगी योगी 2009 एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में। उसके बाद उन्होंने फिल्म के नाम का अपने मंच के नाम के उपसर्ग के रूप में अपनाया। रुपया में गुंडे के रूप में दिखाई दिया। बाद में सुंदर शिकल का तो यार नहीं तो उन्होंने हिंदी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने शिव कार्ति के नाम और कराटे यामी रुक्का बया में 2014 में भयानक हास्य अभिनेता के रूप में, 2015 में उन्होंने एक दर्जन के अधिक फिल्मों में काम किया, और काका मत्ती 2015 की रूमी 2015 योगी बाबू के लिए 2016 और एक सफल फर्श रहा। उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया। विजय सेतुपति के साथ आनंद भवन कट्टलई में अपनी भूमिका की आलोचना को प्रशंसा प्राप्त की। इसके बाद कोलमावु कोकिला 2018 जहाँ उन्होंने नयनतारा के प्रथम के एक तरफा प्रेमी चित्रण को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, जबकि कल्याण वायसी गाना उन्होंने उनकी हरकतें वायरल हो गई। वह पेड़ो परिमल 2018 में सहायक किरदार के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म का आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचनाओं ने योगी बाबू कॉमेडी प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने प्यारे बादल प्रभु 2019 जिसमें उन्होंने तंकित भूमिका निभाई। उन्होंने गोरखा 2019 में अहम भूमिका निभाई। कई फिल्मों में कॉमिक रिलीफ के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई हैं। वेंकट कुमार गंगैया जन्म 7 नवंबर 1975 जिन्हें उनके मंच नाम से बेहतर जाना जाता है वेंकट प्रभु। तमिल फिल्मों में भारतीय निर्देशक अभिनेता पार्श्व गायक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय करियर बनाना शुरू किया। उनके पहले 3 उद्यम में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई लेकिन रिलीज होने में असफल रही, जिसके बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। एक फिल्म निर्देशक और संगीत निर्देशक हैं गंगई अमरन बिरयानी और मास 2013 2011 मनकथा 2010 2018 सरोजा में अपने बाद के निर्देशन से निर्देशक बने, जिनमें की वह पहली बार सुर्खियों में आए जब वह ग्रीष्मकालीन हिट थी। प्रारंभिक जीवन में करियर, भारत लौटने के बाद प्रभु ने अपने चचेरे भाइयों युवान शंकर राजा द्वारा डेमो के लिए गाना शुरू किया और कार्तिक राजा और फिल्म इंडस्ट्री में कई बार सिंगर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। 1996 में वह उन्होंने उनके भाई प्रेम की अमरेन उनके रेशन के दोस्त SIPV चरण नेक्स्ट और जनरेशन नामक एक संगीत बैंड की स्थापना की, जिसमें और थामन दर्शक के रूप में दोनों से कलाकार चरण हैं। गना बगम उपस्थिति में उन्होंने माधवन के साथ काम किया और वजह थुगल सीमन है 2018-08 में उन्होंने विजय मुख्य भूमिका में शिवकाश निर्देशित परार सु अजीत कुमार और अभिनीत जी एन थी स्वामी पहली रिलीज थी। उन्होंने लगभग 10 फिल्मों में चरित्र भूमिका निभाई, जिनमें सबसे उल्लेखनीय फिल्में अप्रैल माध्यमिक दोनों रिलीज होने में भी असफल हो रही हैं। इसके बाद वेंकट प्रभु से सहायक भूमिकाओं के लिए संपर्क किया, जिसमें उन्होंने कदल सामाजिक अगथियाना और प्रेम की अमरेंद्र में देखी।
वांटेड, लेकिन फिल्म को मध्य निर्माण में रद्द कर दिया गया। 2000 के दशक के अंत तक फिल्म को पुनर्जीवित करने रिलीज करने के प्रयास सफल रहे। प्रभु ने अपने दोस्तों SPB चरण और योगेंद्र के साथ दो और फिल्मों में अभिनय किया, और गंगी अमेरन पुंजोलाई के साथ संगीत और कई मंच प्रदर्शन किए, और अगले वर्ष उन्होंने 2007 में वेंकट SPB चरण द्वारा निर्मित स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म चेन्नई 6028 के साथ फिल्म देशन में कदम रखा, और इसके गिर्द घूमती मुख्य भूमिका में बाल ब्लॉकबस्टर है अजीत कुमार का निर्देशन किया, जिसे मन कथा 2010 और एक फुल लेंथ कॉमेडी फिल्म बनी, जिससे मिश्रित प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 2011 में उन्होंने अपने अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक्शन थ्रिलर गोवा चरण और प्रेमगी सहित फिल्म में चार युवकों की यात्रा दिखाई दी, जो मुख्य सड़क सेट कर एक अपहरणकर्ता गिरोह के हाथों में पड़ जाते हैं। इसे आलोचकों बॉक्स ऑफिस पर इस कारण प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने कलाकार का शो, जिसमें मुख्य ने 6028 के एक हिट नंबर से लिया गया था, निर्देशन किया, जिसका शीर्षक से हो जाए, जिसके कारण मुख्य कलाकारों की लोकप्रियता बढ़ी। जिसके बाद उन्होंने कॉमेडी थ्रिलर फिल्म का लेवल प्राप्त करना और अगले वर्ष में क्लासिक चालो चालक प्राप्त करना शुरू किया। उनका अगला प्रोजेक्ट बिरयानी 2013 में अभिनीत कार्थी और हिंसिका मोटवानी, वेंकट प्रभु के निर्देशन कर मुख्य भूमिका में नयनतारा सूर्या मास और एंगिरा मसीला मानी। उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर चेन्नई 6028 की अगली कड़ी का निर्देशन किया। अक्सर सहयोगी वेंकट प्रभु अक्सर अपने और क्रू सदस्यों के साथ काम करते हैं, जिसमें मुख्य प्रमुख प्रेम जी अम्बेन, युवान शंकर आजाद, संपादक शामिल हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट बेड़े स्कूल से की। 10 सितंबर 2001 को वेंकट प्रभु ने निर्देशित KG सरसाई की बेटी राजलक्ष्मी से शादी की, और जब उनकी शिवानी नाम की एक बेटी है। शिवानी 5 साल की उम्र में एल्बम के लिए गाना गा चुकी हैं। आओ शादी करें 2023 भारतीय तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का निर्देशन रमेश थिमलानी ने किया है, जो उनके निर्देशन की पहली फिल्म है। इसमें हरीश कल्याण आदि और के साथ योगी बाबू आरजे विजय सहायक भूमिकाओं में है। इसका निर्माण धोनी एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी, बिना किसी शीर्षक के, जिसकी घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 में शुरू हुई और मई 2023 में पूरी हुई। फिल्म ने संगीत रमेश थिमलानी द्वारा, सिनेमाटोग्राफी विश्वजीत ओडकथिल ने संभाली और संपादन प्रदीप ईरागा द्वारा। प्लॉट फिल्म की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गौतम से होती है, जो अपनी दूसरी प्रेम वर्षगांठ के दौरान अपने सहकर्मी और प्रेमिका मीरा को शादी का प्रस्ताव देता है। मीरा इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है कि गौतम की विधवा माँ लीला सहित माता पिता की दोनों समूह गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब मीरा को पता चलता है कि गौतम चाहता है कि शादी के बाद गौतम लीला के साथ उसके घर में रहे, तो उसने गौतम को लीला को छोड़कर शादी रद्द कर दी, और क्रोधित और निराश मीरा अंत तक गौतम के साथ मेल मिलाप कर लेती है और एक शर्त पर शादी के लिए सहमत हो जाती है। वह अपने परिवार के साथ गौतम के परिवार के साथ कुर्ग की यात्रा पर जाना चाहती है, ताकि दोनों परिवार विशेषकर वह और लीला साथ जा सके, शादी से पहले बातचीत करें और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लें। यदि वह यात्रा के दौरान लीला के साथ नहीं मिल पाती है, तो वह गौतम दोस्त के रूप में अलग हो जाएंगे। वह अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वह ऑफिस ट्रिप पर ले जा रहा है और अपने सहकर्मियों के साथ, जिसके कारण वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विजय को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। यात्रा शुरू होती है और जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लीला मीरा और उसके परिवार के भी यात्रा और हिस्सा होने में सहज नहीं है। हालांकि गौतम और उसे शांत करने में कामयाब होता है और दावा करता है मीरा भी उसकी सहयोगी के रूप में यात्रा का हिस्सा है। हालांकि अंततः तो उसे मीरा से यात्रा का असली कारण पता चलता है, जो परिवार के साथ नहीं मिल पाने में उसे परेशान है, जिसमें गौतम का जोश उजागर हो जाता है। गौतम द्वारा झूठ बोलने से प्रेरित होकर मीरा और लीला ने गौतम और विजय सहित अपने बाकी परिवार को घर पर वापस भेज दिया, जबकि दोनों के साथ समय बिताने और एक दूसरे को जानने का फैसला किया। वे गोवा जाते हैं, जो गौतम के आपत्ति कारण को रुख से बचने से पहले मीरा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जहां वे एक साथ कई गतिविधियां करते और आनंद लेते हैं। एक दूसरे कंपनी में कुछ घटनाओं के बाद लीला मीरा से प्रभावित हो जाती है और गौतम से उसकी शादी कराने की लिए सहमत हो जाती है। लेकिन इसी मोड़ पर कुर्ग लौटते समय वे एक जंगल में बीच में खो जाते हैं। जंगल में मीरा और लीला एक बाघ के जंगल में फंस जाते हैं, तस्कर द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है, जो उन्हें एक असली बाघ के साथ एक वैन में रखते हैं। लीला और मीरा अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए झगड़ती है, लेकिन जब मीरा को
लीला के अस्थमा के बारे में पता चलता है, और साथ ही यह पता चलता है कि लीला की बीमारी कैसे हुई, तो वह सुलह कर लेती है और एक माँ के रूप में गौतम को पालने के लिए अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए संघर्ष किया, क्योंकि उनके पति एक सेनाधिकारी गौतम के जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई और लीला ने गौतम से शादी करने के अपने असली इरादे का मुख भी खुलासा किया। अंततः उससे छुटकारा पाने मंदिरों में जाने सहित उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शादी के बाद उसके और गौतम के अलग रहने की मीरा की इच्छा से सहमत है। इस बीच गौतम और विजय जो घर लौटने के बजाय मीरा और लीला की तलाश कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि वे जंगल में खो गए हैं और एक स्थानीय वन अधिकारी की मदद से वे तस्कर की वैन का पता लगाने और मीरा और लीला को एक साथ ही बाघ दोनों को बचाने के कामयाब होते हैं। गौतम मीरा और लीला घर लौटते हैं, जहाँ मीरा गौतम से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लीला भी एक शर्त पर शादी के लिए राजी हो गई, उन तीनों को एक साथ एक और यात्रा करनी चाहिए। उत्पादन और विकास मई 2022 के मध्य में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी एमएस धोनी द्वारा अभिनीत एक योजना का निर्माण करके वो फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत करने की सूचना मिली थी। वह सितंबर मुख्य भूमिका में नयनतारा और महेश बाबू को इस परियोजना के साथ अभिनय करने की सूचना मिली थी। 26 अक्टूबर को कंपनी की एक सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इस परियोजना का निर्देशन नवोदित रमेश तिलमिलानी द्वारा किया जाएगा। हरीश कल्याण और प्रियंका अरुण मोहन को मुख्य रूप भूमिका निभाने की सूचना मिली और 27 जनवरी 2023 को हरीश और कल्याण इवाराय की घोषणा की गई मुख्य भूमिका निभाते हुए नादिया योगी बाबू आर जी विजय की घोषणा की गई और परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के शीर्षक भी घोषणा की गई। रिसेप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश बालचंद्र ने फिल्म को 5वें स्टार दे और लिखा, यह बाकी है एक और औसत के नीचे का रोमांटिक ड्रामा जो घर वापस ले जाने के लिए कुछ नहीं देता। जर्नी के 5 में से 1 स्टार दे और फिल्म को एक खराब तरीके से बनाई गई रोमांटिक ड्रामा माना, जो सभी अच्छे विचार से इसे मेज पर महान नहीं बनाते का सही उदाहरण है। मिर्ची प्लस की मीरा बहन गोपाल ने इसे 5वें 2 स्टार दिए लिखा है। जी एमएस धोनी का यह पहला फीचर प्रोडक्शन था जिसमें अगर विस्तार किया जाए तो यह एक बेहतरीन रोमांटिक कॉम बनने की क्षमता रखता है, लेकिन लेखन और संगीत छायांकन संगीत विभागों में शून्य प्रयास के साथ हम इस एक उत्साह उत्सव में रह रहे हैं। पेची और वैद्यपन एबीपी लाइव तमिल की फिल्मों को मिश्रित समीक्षा दी और कहा कि फिल्म आशाजनक है। हरीश कल्याण जन्म 29 जून 1990 एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें अभिनय की शुरुआत 2010 में सिंधु सामेली से हुई थी। पोरियालन 2014 विलम्बो में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने से पहले 2016 और प्यार प्रेमा कादल 2018 फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 से 2017। हरीश कल्याण ने अपनी शुरुआत शामिल वादास्पद सिंधु सामवेली 2010 और अंबू की भूमिका निभाते हैं, जिसकी पत्नी का अपने ससुर के अपराध संबंध है। रिलीज होने पर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि कुछ आलोचकों ने फिल्म के किरदारों पर अपनी घृणा व्यक्त करते हुए फिल्म को रेटिंग देने से इनकार कर दिया। आलोचकों ने संबंध में उनकी अगली भूमिका का वर्णन किया। म्यूजिकल हरिदू 2010 ठीक है, लेकिन फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत करने में असफल रही। इसके बाद हरीश एस में काम करने लगे और एक चंद्रशेखर सत्यपदी को ट्रम 2011 जिसमें विक्रांत और भानु अन्य भूमिकाओं में फिल्म में हमारी कानूनी व्यवस्था के अपेक्षित बदलाव को दिखाया गया, जिसमें हरीश ने एक बिड़िया लड़की भूमिका निभाई जो अंत एक नया पत्ता चुनता है। फिल्म में फिल्म को खराब समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। अगली बार उन्हें करुणा श्वेता पशु प्रसाद और फिल्म निर्माता सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई और फिल्म पर भी काम किया। पूनम कौर के विपरीत मेहमान इस अवधि के दौरान उन्होंने जय श्री राम का काम किया और फिल्म चिंदा मामा ने 2013 की कॉमेडी फिल्म संजना सिंह आधा दर्जन फिल्मों के बाद आखिरकार उन्हें थ्रिलर पोरियालन और 2014 में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस किया गया, जहां उन्होंने एक युवा नागरिक का किरदार निभाया जो प्रॉपर्टी डेवलपर बनने के इच्छुक और इंजीनियर रियल एस्टेट घोटाले में फंस गए और वैन त्रिमारन द्वारा निर्मित और इसमें उनके साथ है आनंदी और पोरियालन आलोचकों के साथ हरीश का पहला सफल उद्यम बन गया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन की प्रशंसा की और पोरियालन की सफलता ने फिल्म निर्माता और सिंथिया के प्रोडक्शन और विल्लू अंबू 2016 में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हरीश का चयन करें। और अपने पिता कल्याण शिवराजको ने हरीश के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बड़ा स्कोर करता और अपनी आकर्षक स्थल और साफ सुथरी विशेषताओं के कारण
लोगों का ध्यान आकर्षित होना गया है। सकारात्मक समीक्षा पाने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उचित कारोबार किया। 2017 में आरिशे को तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी कादली में दिखाई दिए, जहाँ उन्होंने साई रौनक के साथ अभिनय किया और पूजा दोषी और एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपना किरदार परिपक्वता के साथ निभाते हैं। ब्रेक तो 2018 से वर्तमान 2017 में हरीश ने तमिल रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस में पहले सीजन में भाग लिया, जिसे उन्होंने 53 दिन में एक नए प्रतियोगी के रूप में शो में प्रवेश किया। शो के दूसरे रनर अप के रूप में समाप्त हुए। शो में अपनी सफल उपस्थिति के बाद हरीश कल्याण को ऐलान के रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कादल बिग बॉस प्रतियोगी राइजा विल्सन चेन्नई में एक भोले वाले आईटी कार्यकर्ता श्री कुमार का किरदार निभा कर उन्होंने जीत हासिल करना और चेतन के लिए नकारात्मक समीक्षाएं मिली, क्योंकि फिल्म को रिलीज होने पर आलोचनात्मक व्यावसायिक प्रशंसा मिली। 2019 में हरीश कल्याण ने इस पाड़े राज वम इधाया रानियम द्वारा निर्देशित फिल्म में एक मध्यम वर्गीय लड़की की भूमिका निभाई, जिसमें उससे की बड़ी समस्या थी, उसका बचपन परेशान था। रंजीत जयकोड़ी आलोचक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत ने पाया कि हरीश कल्याण एक आक्रामक और स्वामित्व वाले युवा के रूप में उत्कृष्ट है, एक ऐसा चरित्र जो अपने द्वार प्यार प्रेम कादल में निभाए गए चरित्र से काफ़ी भिन्न है। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा और दर्शकों की व्यापक प्रतिक्रिया दोनों मिली। अपनी पिछली फिल्मों के अगले दरवाजे वाली लड़की भूमिका निभाने के बाद कल्याण को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा और गौतम की भूमिका की तैयारी के लिए वजन बढ़ाने के अलावा उन्होंने अपने रफ लुक के लिए दाढ़ी भी बढ़ाई और निर्देशक के बेटे संजय भारती के साथ उनके फिल्म धनुष राशि ने अगले विक्की डॉन में प्रभु गोविंद के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की, जो 2012 की हिंदी फिल्म का ग्रामीण रूपांतरित संस्करण है। धरला प्रभु हरीश में फिल्म में उन्होंने जोशियम और जंदम में कट्टरास्ती की भूमिका निभाई और एक कॉमेडी ड्रामा था जिसमें मुख्य पुरुष किरदार था तो अत्यधिक अंधविश्वासी था और संथाना भारतीय नवोदित कृष्ण मारीमुथु द्वारा निर्देशित फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्हें फिल्म देवन के दिलचस्प मनोरंजन शीर्षक में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। कसाड़ा था पारा जो वेंकट प्रभु की ब्लैक टिकट कंपनी द्वारा निर्मित है। इसके अलावा हरीश ने ओ मैन पेने में मुख्य भूमिका निभाई और पहले चुप्पू का तमिल रीमेक धोनी एंटरटेनमेंट्स के गाँव में तो वाले मस धोनी निर्मित आइए जाने विवाही तो वह अगली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म तेलुगु 2021-16। अन्य कार्य हरीश कल्याण ने हिंदुस्तानी संगीत सीखा और कोई बोर्ड जनवरी 2012 के दौरान उन्होंने कुट्टी पे टोस्ट टू लाइफ शीर्षक वाले दो गाने रिलीज करने के अपने इरादे की घोषणा की, जिन पर उन्होंने काम किया था। और ओवागुरु और मनुषानुकम और ओवरु फीलिंग्स 2016 में हरीश ने आई एम सिंगर शीर्षक में एक स्वतंत्र गीत जारी किया जो काम कर रहा है। और उस गाने में गायक और गीतकार के रूप में जिसका संगीत एलवी मधुकर स्वामी ने तैयार किया था। निजी जीवन उनके पिता फाइव स्टार कल्याण और एक फिल्म तरक संगीत लेवल के मालिक हैं। उन्होंने हरीश कल्याण की भूमिका निभाई है और विल अम्बू 2016 अक्टूबर 2022 में हरीश कल्याण ने नर्मदा उदय कुमार से शादी की। जरीन मोइदू जी ने उनके स्टेज नाम नादिया मोइदू के नाम में से जाना जाए। मुख्य रूप से तमिल भाषा की फिल्मों में साथ साथ मलयालम तेलुगु फिल्मों उन्होंने 1984 मलयालम भाषा की तमिल फिल्म नोकेथा दुरातु कुन्नम नट्टू से अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अभिनेत्री मलयालम बाद में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय किया। उन्होंने अहम एम से तमिल फिल्मों में वापसी की और कुमारन पुत्र महालक्ष्मी उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए उनका आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2013 में उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उनके द्वारा निभाई गई दोनों भूमिकाओं के लिए प्रशंसा मिली। एक तेलुगु भाषा की फिल्म में अभिनेता वरुण तेज की माँ की भूमिका गणी और अंटार्कटिका और डैडी ने जिद्दी चाची भूमिका निभाने के लिए उन्हें अंटार्कटिका की डैडी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। 2013 में प्रारंभिक जीवन नादिया का जन्म मलयाली माता पिता के घर हुआ। उनका बचपन मुंबई के सायन में बीता। पिता थालसरी से है, उनकी माँ तिरुवल्ला से है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा जेबी वाजा हाई स्कूल पारसी गर्ल्स मुंबई से हुई और उनकी प्री यूनिवर्सिटी डिग्री सर जमशेद जीजेबाई स्कूल ऑफ आर्ट और उसके बाद ही है अपनी कॉलेज की पढ़ाई नहीं रख सकी क्योंकि तब तक वह अपने फिल्मों में व्यस्त हो गई थी। उन्होंने मीडिया प्रबंधन से एसोसिएट डिग्री हासिल की और बीए संचार कलाओं
रेडियो और संचार अमेरिका में आते हुए टेलीविजन गया। निजी जीवन, नादिया ने 1988 में विशेष सीरीज गोरबोले से शादी की। दंपति की दो बेटियां सनम और जाना है। अब अपनी शादी के बाद वह अपने पिता पति और बेटियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रही। वर्ष 2000 में वह लंदन यूनाइटेड किंगडम चली गई और वहीं रही। 2007 तक वहीं रही। 2008 में बात लौट आई और वर्तमान में मुंबई में रहती हैं अपने परिवार के साथ। करियर, नादिया ने अपना डेब्यू मलयालम फिल्म नोके तथा कलम नोट 1984 से किया। उनके साथ इस फिल्म का रीमेक जिसमें उन्होंने पद्मिनी और मोहनलाल के रूप में जितावे। 1985 में पद्मिनी और तमिल में अपनी शुरुआत की। नादिया का दावा है कि मोना राघव रेवती की भूमिका के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था। और 1986 में एक तमिल फिल्म लेकिन पूर्व प्रतियोगिता के कारण स्वीकार कर दी गई। 1990 में दशक के मध्य में अमेरिका जाने से पहले उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में कुछ समय के लिए वापसी की। इवाना जिसे उनके जन्म नाम हेलिना साजी के भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और मलयालम में काम करती हैं। भाषाई फिल्में करियर, हलीरा ने मास्टर 2012 में साइकिल गाउन के माध्यम से मलयालम फिल्म उद्योग में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। महत्वपूर्ण भूमिका में बाला ने अनुरोध किया कि उन्हें एक मंच नामों का उपयोग करना चाहिए जो तमिल दर्शकों के लिए उच्चारण करना आसान होगा। और अपने चचेरे भाई की शुरुआत से उन्होंने बाना नाम को अंतिम रूप दिया। जीवी प्रकाश कुमार और अनुराग करीकुरन वेल्लम 2018 में कास्ट करने का फैसला किया जिसमें नाचियार ऑनलाइन और बाद में अलीना को अपनी तमिल फिल्म ने बाला निर्देशक 2016 मुख्य किरदार की बेटी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुराग कारीकरण वेल्लम 2015 तीन साल बाद। अलीना ने इसके बाद रानी पद्मनी और एक युवा मासूम लड़की अर्शिका किरदार निभाते हुए इवाना को इसके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। Sefi.com ने कहा कि सुंदर आज चेहरे और बड़े अभिव्यंजक आंखों के साथ इवाना पूरी तरह से विश्वसनीय राशि बनाती है। इसी तरह द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक ने कुछ कहा कि इवाना ने प्रभावशाली शुरुआत की है, जबकि इंडिया टुडे ने समीक्षक ने कहा कि इवाना शानदार प्रदर्शन करती है। योगी बाबू जन्म 22 जुलाई 1986 भारतीय अभिनेता हास्य अभिनेता हैं जो तमिल फिल्म में दिखाई देते हैं। वह 3 बार विक्टर सिनेमा पुरस्कार विजेता रहे हैं। उन्होंने आनंदवन कटलई कोलामोवो कोकिला 2018 और पेरियम पेरोमल 2018 प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। बाबू का जन्म 22 जुलाई 1986 को अरनी में हुआ। उनके पिता हवालदार भारतीय सेना में, इसलिए बाबू को बचपन से बहुत यात्रा करनी पड़ी जिसके बिना उन्होंने पढ़ाई की। शनिवार के दशक की शुरुआत में जम्मू में बाबू ने 5 फरवरी 2020 को तिरुतनी में अपने पैतृक मंदिर में आयोजित एक अंतरंग समारोह में मंजू भार्गव से शादी की। करियर, बाबू ने सहायक निर्देशक के रूप में लोलू सभा और 2 साल तक दृश्य लिखने में मदद की। उन्होंने अपने फीचर फिल्म की शुरुआत अमीर अभिनीत होगी योगी 2009 एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में। उसके बाद उन्होंने फिल्म के नाम को अपने मंच के नाम के उपसर्ग के रूप में अपनाया। रुपया में गुंडे के रूप में दिखाई दिया। बाद में सुंदर शिकल का तो यार नहीं तो उन्होंने हिंदी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने शिव कार्तिक के नाम और कराटे या मेरे रुक्का बया में 2014 में भयानक हास्य अभिनेता के रूप में। 2015 में उन्होंने एक दर्जन के अधिक फिल्मों में काम किया और काका मत्ती 2015 की रूमी 2015 योगी बाबू के लिए 2016 और एक सफल फर्श रहा। उन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया। विजय सेतुपति के साथ आनंद वन कट्टलई में अपनी भूमिका की आलोचना को प्रशंसा प्राप्त की। इसके बाद कोलमावो कोकिला 2018 जहाँ उन्होंने नयनतारा के अभिनेत्र के एक तरफा प्रेमी चित्रण को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, जबकि कल्याण वाई सुजाना उन्होंने उनकी हरकतें वायरल हो गई और पैडो पैरमल 2018 में सहायक किरदार के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म का आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचनाओं ने योगी बाबू कॉमेडी प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने प्यारे बादल प्रभु 2019 जिसमें उन्होंने एक अंकित भूमिका निभाई। उन्होंने गोरखा 2019 में भूमिका निभाई। कई फिल्मों में कॉमिक रिलीफ के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई हैं। वेंकट कुमार गंगई अमरेन जन्म 7 नवंबर 1975 जिन्हें उनके मंच नाम से बेहतर जाना जाता है वेंकट प्रभु। तमिल फिल्मों में भारत निर्देशक अभिनेता पार्श्व गायक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय करियर बनाना शुरू किया। उनके पहले दिन उद्यम में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई लेकिन रिलीज होने में असफल रही, जिसके बाद उन्होंने चरित्र भूमिका में दिखाई देने लगे। एक फिल्म निर्देशक और संगीत निर्देशक हैं। गंगई अमरन बिरयानी और मास 2013 2011 मनकथा 2010 2018 सरोजा अपने भाग के निर्देशक बने। चेन्नई
जो है पहली बार सुर्खियों में आई थी जब वह ग्रीष्मकालीन हिट थी प्रारंभिक जीवन में करियर। भारत लौटने के बाद प्रभु ने अपने चचेरे भाइयों युवान शंकर राजा द्वारा डेमो के लिए गाना शुरू किया और कार्तिक राजा और फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। 1996 में वह उन्होंने उनके भाई प्रेम की अमरेन उनके रोशन के दोस्त SIAPV चरण नेक्स्ट और जनरेशन नामक एक संगीत बैंड की स्थापना की जिसमें और थामन दर्शक के रूप में दोनों से एक लाकर चरण है। गना बगम ने चरना दैन के निर्देशन में पहली फिल्म सुनते कहानी अपनी अब तक की अंतिम श्रेणी उपस्थिति में उन्होंने माधवन के साथ काम किया और वजह तुगल सीमन है। 2008 में उन्होंने विजय मुख्य भूमिका में शिवकाश निर्देशित तरारसु अजीत कुमार और अभिनीत जीएन थी मिंगो स्वामी उनकी पहली रिलीज थी। उन्होंने लगभग 10 फिल्मों में चरित्र भूमिका निभाई जिनमें सबसे उल्लेखनीय फिल्में अप्रैल माध्यमिक दोनों रिलीज होने में भी असफल हो रही हैं। इसके बाद वेंकट प्रभु से सहायक भूमिकाओं के लिए संपर्क किया जिसमें उन्होंने कदल सामा जागथियाना और प्रेम की अमरेंद्रा में देखी। वांटेड लेकिन फिल्म को मध्य निर्माण में रद्द कर दिया गया। 2000 के दशक के अंत तक फिल्म को पुनर्जीवित करने और रिलीज करने के प्रयास असफल रहे। प्रभु ने अपने दोस्तों SPB चरण और योगेंद्र के साथ दो और फिल्मों में अभिनय किया और गंगी अमेरन पुंजोलाई के साथ संगीत और कई मंच प्रदर्शन किए और अगले वर्ष शुरू होने 2007 में वेंकट प्रभु SPB चरण निर्मित स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म चेन्नई 2028 के साथ फिल्म निर्देशन में कदम रखा और इसके घूम दिया मुख्य भूमिका में बाली ब्लॉकबस्टर ने अजीत कुमार का निर्देशन किया जिसे मन कथा 2010 और एक फुल लेंथ कॉमेडी फिल्म बनी जिससे मिश्रित प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 2011 में उन्होंने अपने अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक्शन थ्रिलर गोवा चरण प्रेम की सहित फिल्म में चार युवकों की यात्रा दिखाई दी जो मुख्य सड़क सेट कर एक अपहरणकर्ता गिरोह की यात्रा में पड़ जाते हैं। इसे आलोचकों बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने कलाकार का शो जिसमें मुख्य ने 2028 के एक हिटन नंबर से लिया गया था निर्देशन किया जिसका शीर्षक सोजा जिसके कारण मुख्य कलाकारों की लोकप्रियता बढ़ी जिसके बाद उन्होंने कॉमेडी थ्रिलर फिल्म का लेवल प्राप्त करना और अगले वर्ष में क्लासिक चालो चालक प्राप्त करना शुरू किया। उनका अगला प्रोजेक्ट बिरयानी 2013 में अभिनीत कार्थी और हिंसिका मोटवानी वेंकट प्रभु के निर्देशन कर मुख्य भूमिका में नयनतारा सूर्या मास और एंगिरा मसीला मानी। उन्होंने 2007 की ब्लॉकबस्टर चेन्नई 2028 की अगली कड़ी का निर्देशन किया। अक्सर सहयोगी वेंकट प्रभु अक्सर अपने और क्रू सदस्यों के साथ काम करते हैं जिसमें मुख्य प्रमुख प्रेम जी अम्बरेन युवान शंकर राजा संपादक शामिल हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट बेड स्कूल से की। 10 सितंबर 2001 को वेंकट प्रभु ने निर्देशित KG सरसा की बेटी राजलक्ष्मी से शादी की और जब उनकी शिवानी नाम की एक बेटी है। शिवानी 5 साल की उम्र में एल्बम के लिए गाना गा चुकी हैं।